एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदे को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने ही प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में लगा हुआ है और कहने में लगा होता है कि जो भी इस प्रोडक्ट को खरीदेगा वो काफी ज्यादा भाग्यशाली रहेगा और ये काफी ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा मशहूर भी, और जो भी खरीदना चाहता है वो हमारे जेएम फ्लैगशिप स्टोर से जाकर खरीद सकता है। जरा आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इन्होंने यहाँ पर लॉटरी जीत ली है और यहाँ पर ये काफी ज्यादा अमीर भी बन चुकी है क्योंकि इन्हें $20,000 तक का इनाम मिल चुका है और इनका जो पैसा था वो 3 गुना तक बढ़ चुका है। और इनकी स्टाइल को तो देखो, और वे इतने सारे कस्टमरों को अपनी दुकान पर इस तरीके से लेकर जाता है। और जब हमारा एमसी इस चूने वाले लगाने वाले बंदे को देखता है तो वो समझ जाता है कि हाँ ये कोई चूल्हा लगाने वाला है, लेकिन वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी रीतियान वहाँ पर पहुंचने के बाद कहने लगता है कि मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ कि मैं फाइनली इस जगह पर पहुंच चुका हूँ एंजॉय करने के लिए। और एमसी जब पहली पहली बार समंदर को इस तरीके से देखता वो काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इस तरीके से उसने समंदर नहीं देखा है। तभी सेकंड सिस्टर्स हमारे एमसी से कहने लगती है कि यह जगह सिल्वर कोस्ट है, तुम जहाँ पर जितना ज्यादा चाहो उतना ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम इस समंदर के इस बीच के जो कंफर्टेबल हवा होती है उसका भी मजा उठा सकते हो और यहाँ पर कई ऐसी थ्रिलिंग वाली चीजें हैं जिनका तुम आनंद ले सकते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मजे लेना, यहाँ की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, इन चीजों को बिल्कुल भी मिस मत करना। तभी थर्ड सिस्टर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी रहती है और रीतियान से कहने लगती है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी हमारा एम अपनी जिंदगी का पहला कदम समंदर के पास रखता है और उसमें रखने के बाद कहने लगता है कि ये चीज तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट फील होने में लगी हुई है। और जब ये इंजॉय करने में लगा हुआ होता है तभी अचानक से कोई आता है और उससे कहने लगता है कि मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हमारी थर्ड सिस्टर होती है जो कि अपना स्विम सूट पहनने के बाद सभी से कह रही होती है कि अब बिग सिस्टर हमें चलना चाहिए वहाँ पर इंजॉय करने के लिए। और सभी की सभी लड़कियां अपना अपना स्विम सूट पहनकर वहाँ पर आ गई होती है और काफी ज्यादा इंजॉय करने में लगी होती है सेकंड सिस्टर और मोमो और हमारी बिग सिस्टर। और बात करें यूनबाओ के बारे में तो बढ़िया आराम से बैठकर जूस पीने में लगी होती है और थर्ड सिस्टर समंदर के अंदर जाती है। और जब सभी लोग इस तरीके से एंजॉय करने में लगे होते हो तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि हम भले ही कल के समय पर एक्वेरियम में गए थे लेकिन आज के मुकाबले में ये बीच जहाँ पर हम आए हुए हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। यहाँ पर आने के बाद तो मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खुली खुली है, कोई कैद नहीं है इसमें। यहाँ का जो एटमोसफेयर है वो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार है, ये का वाकई में किसी आजादी की फीलिंग है मुझे ऐसी महसूस हो रही है और समंदर की जो हवा मुझे ले रहा हूँ वो काफी ज्यादा कम्फर्टेबल महसूस हो रही है, वो भी मेरे चेहरे। ये मेरा पहली बार है जब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ पूरी जिंदगी में। तभी हमारे एमसी को पीछे से कोई बुलाता है और उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं लूवेन होती है जो कि उसके पास कैमरा लेकर उसके पास आई होती है अपना स्विम सूट पहनकर। जिसे देखकर एमसी सरप्राइज होती है, उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ पिक्चर लेना चाहती हो क्या या फिर मैं तुम्हारे लिए पिक्चर खींचू तुम्हारी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारी खींचती हूँ। और जब उसकी पिक्चर खींच रही होती है तभी पीछे से कोई आकर उसे धक्का दे देता है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं रीतियान होता है। और हमारे एमसी का चेहरा यानी कि मूज के समंदर के पानी में चला जाता और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे तैरना आता ही नहीं है और वह अपनी सांस रोक लेता है। लेकिन थोड़ा सा पानी जब उसके मुंह में चला जाता है तो वह इस पानी को चखने के बाद कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा सॉल्टी है, पर आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तभी रीतियान उसे शांत कराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और उसे गोल पे उसके पैर पकड़कर गोल गोल रानी कितना कितना पानी कर खेलने लगता है। तभी सेकंड सिस्टर उसे बुलाती है और उससे कहने लगती है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हैं बीच पर रहने के लिए, उस समय में तुम जैसे चाहो वैसे एंजॉय कर सकते हो। दूसरी तरफ रीतियान उसे माफी मांगने में लगा हुआ था। तभी सिस्टर सेकंड सिस्टर चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि 2 घंटे बाद हमारी जो नई नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमें वहाँ पर जाना है। दूसरी तरफ हमें जैम किंगडम ऑफ द ग्रेट वेस्टर्न सी का जो दुकान थी जहाँ पर वो लुटेरा लूटने में लगा हुआ वो अपने पैसों को काउंट करने लगता है और उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ लगता है और कह रहा होता है कि आज तो मैंने वाकई में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। और जब ये इतना करने में लगा हुआ होता है तभी पीछे से उसके कंधे पर आकर कोई हाथ रखता है जिसको देखकर वह डर जाता है और कहने लगता है कि ब्रदर यू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका मुझसे कुछ काम था क्या। तभी बंदा उससे कहने लगता है क्या तुमने यहाँ पर इन लोगों को पहचाना है जो कि बीच पर आए हुए हैं। ये बात सुनकर बंदा कहने लगता है कि ऑफ कोर्स इस वेस्टर्न सी में जो भी आता है मैं उन सभी को जानता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है तो मुझे जाना होगा। और वो इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो यू उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम अपने काम को सही से कर देते हो तो बाकी का जितना भी तुम्हारी जिंदगी रहेगी वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है और मैं तुम्हारी पूरी पूरी लाइफ का सारा खर्चा अपन संभालेगा। तभी नेक्स्ट सीन हमें यॉर्च का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा सभी को अपनी लाइफ बोट के पास लेकर उससे कहने लगता है कि तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपका सभी का स्वागत करता हूँ मैं इस वाली बोट पर और मैं आप सभी का गाइड रहने वाला और आपकी इस ट्रिप को आपका ख्याल रखूंगा पूरी की पूरी ट्रिप पर। जब हमारा एमसी से देखने लगता है तो कहने लगता है कि 2 घंटे तो भाई मैंने बीच पर एंजॉय करने के लिए गया और वो तुरंत खत्म भी हो गए, मैं अभी भी बीच पर रहना चाहता हूँ और एंजॉय करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उसकी टीम का जो गाइड होता है उससे कहने लगता है कि करेजियस लेडी एंड हैंडसम जेंटलमैन तो हमारी नेक्स्ट ट्रिप के लिए क्या आप रेडी है, हम लोग इस समुद्र को जीतने के लिए जाने वाले हैं और इस आसमान को चीरने वाले हैं। और सभी की सभी लड़कियां काफी ज्यादा एंजॉयमेंट से भर जाती हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भी भर जाती हैं। तभी हमारा एमसी पीछे से कहने लगता है कि आखिरकार हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तभी फोर्थ सिस्टर उसे कहने लगते हैं कि हम लोग समंदर के अंदर जाने वाले हैं स्पीड बोट का इस्तेमाल कर।
और वहां पर एंजॉय करने वाले, क्योंकि हम बीच समंदर में जिस तरीके से एक्टिविटी करेंगे वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है। लेकिन हमारे एमसी ने ऐसा पहले कभी भी जिंदगी में नहीं किया है, तो इसका पहली बार होने वाला। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि जिस बोट पर वो जा रहे होते हैं उसकी रफ्तार वाकई में बहुत ज्यादा तेज होती है, और उसका गाइड उससे कहने में लगा हुआ था कि तुम सभी को अच्छी तरीके से बोट को पकड़ लेना होगा, क्योंकि हमें हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगने वाले हैं। दूसरी तरफ जो फोर्थ सिस्टर होती है वो सभी की पिक्चर्स लेने में लगी होती है, जहाँ पर थर्ड सिस्टर मोमो की पिक्चर लेती है, और तभी उसके बाद सेकंड सिस्टर, बिग सिस्टर और खुद की पिक्चर लेती है, और कई ऐसी पिक्चर लेती है जिसमें हमारा एमसीबी और रितियान भी आ जाता है जिनकी फटी पड़ी होती है, और वो रो बोट बाकी में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही होती है। तभी उस बोट में से एक बंदा बात करते हुए सुनाई देता है, जो किसी से कहने में लगा हुआ था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमने जो काम मुझे सौंपा है वो काम मैं सौंपा तुम्हें आराम से कर दूंगा बिना किसी परेशानी के। और वो मोबाइल में चेक करता है तो उस मोबाइल में हमारे एमसी की फोटो रखी रहती है, जहाँ पर वो सभी से कहने में लगा हुआ था कि तुम सभी को अब रेडी हो जाना चाहिए, अब समय आ चुका है असली एंजॉयमेंट करने का, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और पता चलता है कि उसके जो गाइड होता है वो एक बड़ी बोट पर अपनी छोटी बोट से लेकर आ चुका होता है उन्हें, और कहने लगता है कि हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके। और पहुंचने के बाद रीतियान और हमारे एमसी की हालत खराब हो रही होती है, और वहीं पर उल्टियां करना चालू कर दे लगते हैं, और चिल्लाते हुए हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें थोड़ा धीरे नहीं चलाना चाहिए था इसको। तभी जो सेकंड सिस्टर होती है वो कहने लगते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ पर जो बोट है वो हम अंदर जाने के लिए वो मुझे क्यों नहीं दिख रही है आज, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आसपास के जो बाकी के जो कस्टमर्स है वो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहे, हम अकेले ही क्यों है, और पूरा का पूरा समंदर खाली होता है। इसी को देखकर उसका गाइड उससे कहने लगता है कि आज हम उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं जहाँ पर सभी लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ताकि वहाँ पर ज्यादा शोर ना रखे रहे, और मेन आइलैंड है उससे हम दूर आ चुके हैं काफी, क्योंकि यहाँ पर आसपास में ज्यादा लोग नहीं है तो हमें ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। ये बात सुनकर जो थर्ड सिस्टर होती है वो काफी एंजॉय कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर सेकंड सिस्टर को कुछ डाउट लगता है, और सेकंड सिस्टर को छोड़कर किसी को कोई भी डाउट नहीं आता, और कोई आकर उससे पूछ लगता है कि तुम यहाँ पर ठीक नहीं लग रहे हो देखने। तभी जो बंदा हमारे एमसी की फोटो देख रहा होता है वो उसके पास आता है और उससे कहने लगता है लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहली बार आए हुए हो यहाँ पर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जी अंडर वाटर वर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला, क्या तुम मेरे साथ डाइव करना चाहोगे। ये देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता। तभी वो बंदा हमारे एमसी को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगता है, उससे कहने लगता है कि यहाँ पर आपने जो डीलक्स पैकेज को बुक किया है, जो एक्टिविटीज करनी थी वो एक्टिविटीज तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोच रहने वाला हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूँ। तभी यहाँ पर कहानी की सिचुएशन चेंज होती है, यहाँ पर एक अलग बंदे की कहानी अलग सीन शिफ्ट होता है अलग बंदे पर, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहने में लगा हुआ था कि म्याओचेन यहाँ पर हमें अपनी वेस्टर्न सी पर, ग्रेट वेस्टर्न सी पर पहुंचने में कितना समय और लगने वाला है, जहाँ पर उसकी म्याओचेन उससे कहने में लगी होती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कैप्टन, जहाँ पर अभी भी हमें आधा दिन तो लगेगा कम से कम। और वहीं पर दो लोग होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि हम म्याओचेन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, और वैसे भी हम लोग आधा दिन के लिए पहुंच जाएंगे वहाँ। तभी वो म्याओचेन वहाँ पर कुछ नोटिस करती है जिसको देखकर वो सपराध हो जाती है, और कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें अपनी बोट की रफ्तार जल्द से जल्द बढ़ानी होगी क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जल्दी। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और पूरे के पूरे आसमान में काफी ज्यादा भयानक बादल आ चुके होते हैं। तभी कहानी शिफ्ट होती है हमारी मोबो पर, जो कि उसको काफी ज्यादा रफ्तार से चलाने में लगी हुई होती है उस बोट को, जहाँ पर हमारी फोर्थ सिस्टर और जुनबा उस सीन को एंजॉय करते हुए कह रही होती है कि बाकी में मानना तो पड़ेगा, हम यहाँ पर जो बोट चलाने में लगे हुए हैं इसमें एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल है। और जो फिक्स सिस्टर होती है वो एंजॉय करते देखते तो उससे कह लगते कि ये पीपल तो बाकी में बहुत रूथलेस है, और वो सेकंड सिस्टर से कह रही होती है कि लिटिल आखिरकार तुमने अभी तक हमारे इस बोट को स्टार्ट क्यों नहीं किया है, तुम क्या सोच रही हो। लेकिन यहाँ पर सेकंड सिस्टर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है ये नहीं बता पा रही है। तभी फोर्थ सिस्टर उससे कहने लगती है कि क्या हुआ सेकंड सिस्टर, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई, अगर ऐसी बात है तो तुम बोट पर वापस क्यों नहीं जाती और कुछ आराम क्यों नहीं कर लेती। ये बात सुनकर सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि मुझे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वैसे भी। जहाँ पर वो थर्ड सिस्टर उससे कह रही होती है कि ये वाकई में डाइविंग सूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस्तेमाल कर मैं फाइनली समंदर के अंदर जा सकती हूँ। तभी रीतियान भी उस रेस को देखना चाहता है और उसको देखकर कहने लगता है कि तुम तो इसमें बवाल दिखने वाली हो, और किसी कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। तभी थर्ड सिस्टर को उसको केक मारती है जोड़ती, लेकिन हमारे एमसी को भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है, और वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आने में लगी हुई है, जब ये फीलिंग मुझे लास्ट टाइम पर आई थी उस समय मेरे जो मास्टर थे उनके साथ गड़बड़ हो गई, और जब वो सोचने में लगा हुआ तभी वो बंदा हमारे एमसी के पास आकर उसे वो सूट सूट देते उससे कहने लगता है कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए और फटाफट से अब इस डाइविंग सूट को तुम पहन लो, आखिरकार तुम बहुत ज्यादा बहादुर बंदे जो हो। ये सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि ये कंपलसरी है इस चीज को पहनना हमारे लिए। तभी वहाँ पर पीछे से कुछ चिल्लाने लगता है जिसको वह दोनों को तो देखने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि चिल्लाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं थर्ड सिस्टर होती है, जो कि अपने उस स्विम सूट को पहनने में लगी हुई होती है उस डाइविंग सूट को, लेकिन वो सूट उसके फिट नहीं हो रहा होता है, जिसको देखकर वो कहने लगती है कि ये कितना ज्यादा स्मॉल, आखिरकार ये सूट इतना ज्यादा छोटा क्यों बनाया गया है। ये देखकर लीतियान के नाकों से खून बहने लगता है, नोज ब्लीड होने लगती है, भाई इतना ठरकी वाला एक्सप्रेशन जो है, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो सूट है वो मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन वो बंदा जबरदस्ती कहने लगता है हमारे एमसी से और उससे कहने लगता है कि नहीं ये सूट हमारे लिए परफेक्ट बनाया गया है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, और जबरदस्ती हमारे एमसी को वह सूट पहना दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उस सूट को पहनाने के बाद वो जबरदस्ती उसे पानी के अंदर ले जाने लगता है,
और हमारा एमसी उस सूट को पहनने के बाद वाकई में चमू जैसा लग रहा है, लेकिन उसे पहनने के बाद उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी महसूस हो रहा होता है। और बंदा हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए समंदर के अंदर, लेकिन हमारा एमसी को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो सोचने के लिए। लेकिन वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो हमारे एमसी को वहां पर ले जाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे तो इस बात का उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इतने जल्दी तैयार हो जाओगे। एमसी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसे डायरेक्टली समंदर में फेंक देता है और उससे कहने लगता है कि अब हम लोग चलते हैं इस समंदर को जीतने के लिए। दूसरी तरफ थर्ड सिस्टर भी फाइनली उसे पहनकर रेडी हो जाती है और अपना गैस मास्क लगाने के बाद कहने लगता है कि मुझे मानना तो पड़ेगा ये सूट वाकई में बहुत ज्यादा छोटा है, मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ जो रीतियान होता है वो उसको देखने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें मसाज क्यों नहीं देता तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। तभी थर्ड सिस्टर चिल्लाते और उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर खड़े रहोगे, वहां से हिलोगी भी। तभी वो अंदर हमारे एमसी से कह रहा होता है कि सबसे पहले तो हमें जो चीज करने की जरूरत है वो तुम अपने दिमाग में ये बात जरूर बिठा लेना कि थम्स अप का मतलब है कि हमें ऊपर जाना है और थम्स डाउन को नीचे कि हमें डायरेक्शन के लिए नीचे जाना है, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो डायरेक्शन देना मत भूलना। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि बस इतना सिंपल है, और उससे पूछ लगता है क्या तुम्हारी कोई आखिरी रिक्वेस्ट है, और वो पीछे से हमारे एमसी को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट है मैं तुम्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दूंगा। और हमारा एमसी जोर जोर से उसने बचने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर कर तुम ये क्या करने में लगे हुए हो, मैं वापस से ऊपर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो तो बंदा हमारे एमसी के पीछे ही पड़ जाता है और वो जबरदस्ती हमारे एमसी को समंदर के नीचे ले जाता है। दूसरी तरफ थर्ड सिस्टर भी वहां पर अकेले एंजॉय करने में लगी होती है और देखते हुए कहने लगते हैं कि जगह तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ की जगह तो देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने में लगी हुई है और कितनी ज्यादा मछलियां हैं और मछलियां भी कितनी तेज यहाँ पर बहने में लगी हैं और वो समंदर के एक एक कोने को ढूंढने लगती। तभी अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करती है और वहां पर वो देखती है कि एक जगह पर कई सारी मछलियां इकट्ठा होने में लगी हुई हैं। इसको देखकर उसे उस पर डाउट होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये सारी की सारी मछलियां हैं वो तेजी से क्यों दौड़ने में लगी हुई हैं और वहां पर क्यों इकट्ठा हो रही है। और तभी पता चलता है कि वहां का मौसम और खराब हो जाता है, यहाँ पर सभी की सभी लड़कियां इसको देखने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, आसमान बदल रहा है, हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। तभी उसका गाइड भी यही सलाह देता है और कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द बोट पर वापस जाना होगा क्योंकि इसका मौसम का भरोसा नहीं है, वो कभी भी भयंकर तरीके से बदल सकता है और बादल वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और तभी वहां पर बारिश होना चालू हो जाती है और जब थर्ड सिस्टर को यहाँ पर वो काफी ज्यादा डाउट चीज लग रही होती है तो वो उस चीज को देखने के लिए उसके पास जाने लगती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी दिख रही है। और तभी उनकी मछलियों के बीच में उसे एक परछाई दिखाई देती है जिसको देखकर वो सोचने लगती है कि ये जिनबो यानी कि हमारा एमसी, और उसे डाउट होने लगता है और कहने लगती है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये लोग वहां पर क्या करने में लगे हुए हैं। जहां पर मैं पता चलता है कि वो बंदा हमारे एमसी को रस्सियों से बांधने में लगा हुआ और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि तुम अपनी किस्मत को यहीं पर एक्सेप्ट कर लो, और उसे बांधने के बाद उसका सिलेंडर उसकी पीठ से निकालने के बाद उसे समंदर में वहीं पर छोड़ देता है और सोचने लगता है कि अब ये बंदा यहीं पर मारा जाए, अब मुझे जल्द से जल्द अपने मिशन के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोई उसके मास्क हटा देता है जिससे कि उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, और पीछे से हमें दिखाया जाता है कि उसका मास्क हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि वे हमारी थर्ड सिस्टर होती है और वो उस बंदे को मारने के लिए अपना पंच भी तैयार करने लगती है। और सभी के सभी लोग यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो ऊपर पहुंच जाता है और वो गार्ड सभी से कहने लगता है कि सभी को शांत हो जाना चाहिए, हम सभी को जल्द से जल्द वापस जाना होगा। इसे देखकर वह सेकंड सिस्टर चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग कैसे शांत हो जाए, आखिरकार हमारे जितने साथ जितने भी लोग आए थे वो सभी के सभी लोग यहाँ पर नहीं है। ये सुनने के बाद वो गार्ड भी उससे कहने लगता है कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता है, हमारे भी कुछ गार्ड यहाँ से मिसिंग, लेकिन हमने अगर अपनी बोट को जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकाला तो वो ठीक नहीं होगा। ये सुनने के बाद सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो यहाँ से जाने के लिए जब तक हमारे सभी के सभी लोग यहाँ पर नहीं आ जाते। तभी उस समंदर में से कोई बाहर निकलता जिसे देखकर वो सफरात हो जाता और वो कोई और नहीं बल्कि वही मर्डर करने वाला बंदा है हमारे एमसी का। जिसे देखने के बाद सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम अकेले यहाँ पर क्यों आए हो और हमारे जो जुनबो है ऑलरेडी शाह है वह कहाँ पर है। और वह बंदा उससे कहने लगता है कि वे दोनों के दोनों वहां से ऑलरेडी उस समंदर में डूब चुके हैं और उन्हें ढूंढना अब नामुमकिन के बराबर है जहाँ पर मौसम भयानक होते जा रहा है पल भर, और कोई उससे कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द SOS भेजना होगा। लेकिन गाइड उससे सलाह दे रहा होता है कि लेकिन हमें भी सबसे पहले वापस जाना होगा, लेकिन सेकंड सिस्टर ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तभी लहरें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं जिसको देखते हुए सेकंड सिस्टर उससे कहने लगते हैं कि नहीं हमारे दो लोग यहाँ पर गायब हैं, हमने उन्हें नहीं ढूंढा है, हम उन्हें बिना ढूंढे यहाँ से नहीं जाने वाले। ये देखने के बाद गार्ड उससे कहने लगता है कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे ना तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद सेकंड सिस्टर समझ नहीं पा रही होती करे तो करे क्या। तभी वो बनता वो हमारी सेकंड सिस्टर को सलाह देता है और उससे कहने लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अभी के समय वापस चले जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर मदद के लिए कई लोगों को बुला सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ से नहीं जाते और यहीं पर बैठे रहते हैं तो हमारे साथ वो लोग भी मारे जाएंगे और हम उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद सभी के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या रहे तो करेगा और कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता, और मैं मन में सोचते हुए कह रही होती है सेकंड सिस्टर कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर कर ये सारी की सारी गलती मेरी है। और पीछे से वो बंदा मुस्कुरा रहा होता है सीन को देखने के बाद और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि जो रेस्क्यू टीम यहाँ पर अगर पहुंच भी जाती है तो वो समय पर उन्हें नहीं बचा पाएंगे। तभी कहानी उस मोमेंट पर जाती है जब वह हमारी
थर्ड सिस्टर हमारे एमसी को बचाने के लिए उसकी तरफ आई थी और उसे पंच मारने के लिए रेडी तो, लेकिन उसे पंच नहीं मार पाती, वो बंदा उसे डॉच करने में कामयाब रहता और इस मौके का फायदा उठाते हुए उस बंदे ने हमारी थर्ड सिस्टर का जो ऑक्सीजन टैंक है उसे भी उसके मुंह से हटा दिया जाता, जिससे कि उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और वह बंदा वहां से दूर भागने लगता है। और थर्ड सिस्टर पूरी की पूरी कोशिश करने लगती है वहां पर उस टैंक को पकड़ने के लिए, लेकिन वो उस टैंक को भी दूर फेंक देता है और वो बंदा ज्यादा देर तक फाइट ना करना कर पाने के कारण वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ थर्ड सिस्टर सोचने में लगी होती है कि किसी तरीके से मुझे इस बास्टर को पकड़ना होगा, मैं इस बास्टर को किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या ही करूं, अगर मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो हमारा जुनबो यहां पर मारा जाएगा, लेकिन मुझे इस बंदे को पहले बचाना होगा। और इतना सोचते सोचते वो बंदा हमारी थर्ड सिस्टर को जोर से किक मारता है, जैसे उसे पुश मिलता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है और थर्ड सिस्टर पानी में डूबने लगती है और उसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस बंदे के साथ यहीं पर दफन हो जाओ तो यही बेटर रहेगा, अब तो यहाँ पर तुम्हें भगवान ही बचाने के लिए नहीं आ सकता। और वो बंदा ऊपर जाने लगता है और थर्ड सिस्टर हमारे एमसी को बचाने के लिए नीचे यहाँ पर उसे बांध कर अंदर फेंक दिया होता है और फुल रफ्तार हमारे एमसी को बचाने के लिए उसकी तरह बढ़ रही होती है, लेकिन ये सूट उसे बहुत ज्यादा टाइट लग रहा होता है और इसको देखकर वो कहने लगता है कि मैं सर सांस नहीं ले पा रही हूँ ठीक से, जिसके कारण वो अपने वहीं पर उस डाइविंग सूट को उतार देती है और अपने डाइविंग सूट को उतारने के बाद वो अपने स्विमिंग सूट में आ जाती है, उसकी रफ्तार भी स्विमिंग करने की बढ़ जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि थर्ड सिस्टर स्विमिंग करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और वो किसी तरीके से हमारे एमसी की तरफ पहुंच जाती है और वो हमारे एमसी को पकड़ने में कामयाब रहती है और कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो हमारा जो सब कुछ प्लान था वो सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो जुनबो तुम्हें कुछ भी करके जिंदा रहना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ चुकी होती और सभी के सभी लोग चिंता में पड़े होते हैं कि आखिरकार अब किस तरीके से उन्हें बचाया जाए। तभी फोर्थ सिस्टर लुलू बहन के पास कोई आता है और हमें पता चलता है कि ये तो वही बंदा है जो कि हमारी लू बहन के पीछे पड़ा हुआ होता है उसे प्रपोज करने के लिए और वो हाफते हाफते उसके पास आ रहा होता है, जिसको लू बहन देखती है तो कहने लगते है कि जियाओदंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे। तभी जियाओदंग उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल देता है यहाँ पर और मैं यहाँ पर देखने के लिए गया कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, जब मैं शॉपिंग पे जा रहा था तब मैंने वो सिग्नल देख लिया और तो और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम मेरी शॉप पर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते, बाकी का मैं संभाल लूंगा यहाँ पर। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक ऐसा आइलैंड पर जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता और कोई चिल्लाते हुए लगा होता है हमारे एमसी का, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी थर्ड सिस्टर होती है लुशा, जो कि हमारे एमसी को वापस से जिंदा करने की कोशिश करने में लगी हुई होती है। उसके शरीर में जितना भी पानी जा चुका है उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है और काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उससे कह रही होती है कि हे तुम्हें जल्दी से जल्द जगना होगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पर सोने का बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी से जल्द जहाँ से जाना होगा। और वो सीपीआर देने की कोशिश करने लगती है, उसके चेस्ट पर इतना प्रेशर देने के बाद भी हमारे एमसी को होश नहीं आता तो हमारी सिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहने लगती है मन में सोचती हुई अगर ऐसी सिचुएशन ऐसी चलती रही तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, लगता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा, अगर मुझे इसे बचाना है तो उसे माउथ टू माउथ मुंह से मुंह सांस देनी होगी यानी कि सीपीआर यानी कि किस करनी होगी। और इस सिचुएशन में उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ चुका होता है और धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब ऐसा कर रही होती है तभी अचानक से उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है और वो काफी घबराने लगती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि नहीं मैं आज तक कभी भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ किसी के साथ, तो आखिरकार मैं इस बंदे को किस कैसे कर सकती हूँ, भाई उसकी जान बचानी है तुम्हें और तुम्हें अभी इस बात के बारे में पड़ी हुई है कि आखिरकार तुम्हारी किस लिए लेगा ये बंदा पहले। और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है अपनी इस बात को लेकर और कहने लगती है कि ये तो मेरी फर्स्ट किस होने वाली, भले ही पता है कि ये जो सामने बंदा मेरे पड़ा हुआ यानी कि जिनबो एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस लड़के के पास कोई ऐसी लड़की है जिसे वो पसंद करता है, अगर यहाँ पर मैं पहले इनिशिएटिव लेती हूँ तो कैसा रहेगा। जिसको सोचने के बाद वो अपना सर हिलाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार मैं ये सब क्या सोचने में लगी हुई, मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंसान को बचाने में लगी हुई, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, अगर ये मर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक बार फिर से वो हमारे एमसी के नजदीक आने लगती है और पूरी तरीके से लाल पड़ी हुई थी, भाई इतना लेट करोगी ना तो वो मर जाएगा, अभी भी सिर्फ उसी बारे में सोच रही है कि किस कर लूंगे तो क्या हो जाएगा। और वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ बढ़ने लगती और तभी धीरे से चुपके से हमारे एमसी की नजर मारती है और उसे देखकर कहने लगती है मन में सोचते हुए कि अगर मैं इतना ज्यादा क्लोज से पहली बार जुनबो को देख रही हूँ लेकिन ये बंदा काफी हैंडसम दिख रहा है और वो किस करने के काफी नजदीक भी आ जाती है उसके, और इतना ज्यादा नजदीक आने के बाद वह वापस से शर्मा जाती है और शर्म के मारे वो वापस से किस करने के लिए मना करने लगती है और अपने चेहरे को छुपाते हुए उससे कहने लगती है मन में सोचते हुए कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसके चेस्ट को फिर से दबाते रहना होगा, मैं किस नहीं कर सकती सीपीआर नहीं दे सकती, मैं इस प्रोसेस को 2 मिनट के लिए और ट्राई कर देखती हूँ, अगर ये ऐसा होता है जैसे होश आ जाता तो ठीक है वरना मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी कहानी का सिर्फ सीन शिफ्ट होता है एक गुफा जहाँ पर 3 लोग मिलकर एंजॉय करने में लगे होते और कोई कहने में लगा हुआ था कि मुझे फाइनली ये ट्रेजर मिल चुका है, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि इसे जियाउदी आइलैंड पर छुपाकर रखा गया होगा और हमारी इस फ्रेंडशिप के लिए और वेल्थ के लिए हम चीयर करते हैं। तभी अचानक से वो पीने के बाद उसे कुछ होने लगा जिसको देखकर वो दोनों के दोनों उस ड्रिंक को नहीं पीते और समझ जाते कि उसमें जहर होता और वो तीसरे वाले बंदे से वो दोनों के दोनों देखकर खुश हो रहे होते हैं और तीसरा वाला बंदा उस ड्रिंक को पीने के बाद वहीं पर मारा जाता और जैसे वो वाइन जमीन पर गिरती है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, उसे पता चल जाता है कि ये जहरीली है और तभी जो बड़े बड़े बालों वाला बंदा होता है वो दूसरे बंदे से कहने लगता है कि आखिरकार ये जो चीज है वो फाइनली हमें बिलोंग करेगी सिर्फ हम दोनों को। दूसरा बंदा कहने लगता है कि जी आप सही कह रहे हैं,
तभी कहानी से सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी और थर्सेस्टर पर, जहां पर वो कितनी बार भी उसकी चेस्ट दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन हमारे एमसी को होश आ ही नहीं रहा होता, जिसको देखकर वो कहने लगते कि जुनवो तुम कुछ ज्यादातर एनर्जेटिक नहीं रहते हो, तो आखिरकार तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें कम से कम थोड़ी बहुत तो रिएक्शन देनी होगी। और इतनी ज्यादा तेज मौसम, इतनी ज्यादा बारिश होने के कारण हमारी थर्ड सिस्टर को ठंड लगने लगती है और वो वहीं पर कपकपाना चालू करने लगती है। और इतना ज्यादा समय गुजरने के बाद वो कहने लगती है मन में सोचते हुए कि अब मैं इस चीज को ज्यादा देर तक डिले नहीं कर सकती, लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा। और वो एक बार फिर से हमारे एमसी को सीपीआर देने की कोशिश करने लगती है और कह रही होती है कि अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर हम लोग वाकई में इस मूवमेंट से लेकर सर्वाइव कर जाते हैं तो तुम जो मेरी फर्स्ट किस ले रहे हो, तुम्हें इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। भाई इस बारे में इस समय में भी ये वही सोचने में लगी हुई है, कार खैर इसका लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है ना, तो सोचना जायज वाली बात। और उसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है हमारे एमसी को किस करने के लिए, सीपीआर देने के लिए। वो किसी तरीके से वो कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा स्लो होती है इस मूवमेंट, इस प्रोसेस को करने। और उसके होट उसके काफी ज्यादा नजदीक आने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगते कि हे ब्रेड, तुम इस बार काफी ज्यादा बेनिफिट ले रहे हो, इस बात का ख्याल रखना, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और इसके लिप्स इतने ज्यादा क्रोस आने के बाद तभी अचानक से हमारा एमसी अपने मुंह से पानी फेंक देता है और उसकी किस नहीं हो पाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके पेट से कुछ चीजें भी निकलती हैं, जिसको देखकर वो थर्ड सिस्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हमारा एमसी एक और बार फिर से प्रेशर मारता है उसके चेहरे, और किसी तरीके से खांसते खांसते हमारे एमसी को भी होश आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और थर्ड सिस्टर काफी ज्यादा सरप्राइज भी होती है और उससे कहने लगती है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया जिन। और हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, और उससे पूछने लगता है कि जूशा आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही। और इधर उधर देखता है और पूछ लगता है कि हम लोग कहाँ पर। तभी जूशा उसे पूछे बताती है और उससे कहने लगती है कि तुम पर किसी ने अटैक कर दिया था और तुम्हें समंदर में किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था और तुम्हारे अंदर पानी चला गया था, जिसके कारण तुम्हें होश नहीं आ रहा था, लेकिन किस्मत से मैंने तुम्हें उस वक्त देख लिया और तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आ गया। ये देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार मैं समंदर में कैसे डूब सकता हूं। तभी अचानक से उसके मुंह से कुछ निकलने लगता और उसके मुंह से अचानक से स्टारफिश निकलती है, जो कि देखने में वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार था। और हमारी जूशा भी उसको देखकर काफी शौक हो जाती है और हमें पता चलता है कि उसके मुंह से स्टारफिश निकलती है, जिसको देखकर वो कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारे पेट में ये स्टारफिश कैसे बनी। तभी सीन सेट होता है एक शॉप, जहां पर सभी की सभी लड़कियां वहां पर रेस्ट करने में लगी हुई होती है और इंतजार कर रही है कि क्या करें, और वह किसी को कॉल करने में लगी हुई होती है जिनबो, और कॉल करते हैं, कोई उठाता है तो उससे पूछता कि क्या हुआ। तभी वो बंदे उससे कहने लगते हैं कि हे ग्रैंडपा, आखिरकार तुम्हारे पास जो वैशनसी है ग्रेड वैशनसी में कितने लोग मौजूद है। तभी उसका ग्रैंडफादर एंजॉय करने में लगा हुआ होता है, वो भी बड़े बड़े गुब्बारों के साथ। तभी उससे कहने लगता है क्या तुम बाबा हो, और एक बार फिर से फालतू की बकवास करने लगता है, जिसको देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते उसका नाम लेता है और लेती है और उससे कहने लगती है कि यू ली लॉन्ग, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जुनबो है और जूशा वो ऑलरेडी समंदर में जाकर खो चुके हैं, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये देखने के बाद वो बड्डा काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरा जो ग्रांड सन इन लॉ है उसके साथ एक्सीडेंट हो चुका, मैं अभी के अभी किसी बंदे को ढूंढता हूँ, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैटर तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। और फिर से एक बार वही शब्द कहने लगता है वो इन मेज डार्लिंग ग्रैंड डॉटर वाले, और कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्द विडो नहीं बनने दे सकता। ये बात सुनने के बाद उसकी डॉटर चिल्लाती, ग्रैंड डॉटर बहुत जोर से चिल्लाती और कहने लगती है कि अपना वो बंदर को और बकवास बंद करो। जहां पर सेकंड सिस्टर काफी उदास होते हुए कहने लगती है कि सारी की सारी गलती मेरी है, क्योंकि जो ट्रिप है वो मैंने अरेंज की थी, और वहीं पर रोना चालू करने लगती है और अपना चेहरा छुपाते हुए कहने लगती है कि सारी की सारी गलती मेरी है, ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है। तभी बिग सिस्टर उसे शांत कराने लगती है और उससे कहने लगती है कि लिटिल चुन, तुम्हें अपने आप पर ब्लेम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कैसे पता था कि यहाँ पर एक ऐसी चीज हो जाएगी हमारे साथ, और तो और हमारे पास प्रे करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जियाउद्दीन के और जो अदर्स सेव करने के लिए गए उन लोगों को, वो सभी के सभी लोग उन्हें ढूंढने में कामयाब रहे। यहाँ पर जो सेविंग टीम होती है उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता और सभी के सभी लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। जहाँ पर लू वैन और जियाउद्दीन उसे ढूंढते हुए कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी जियाउद्दीन लू वैन से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लिटिल वैन, यहाँ पर कोई भी ढूंढा नहीं गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी भी जिंदा होंगे और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जहाँ पर इतने भी फ्रेंड्स हैं ग्रेट वेस्टर्न सी में, मैं सभी को डेफिनेटली यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए भेज दूंगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी और थर्ड सिस्टर जूशा वहां पर बैठकर आराम करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा ठंड भी लग रही होती है, जिससे कारण वो छींकना चालू कर देती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पर ठंड लग रही है, तुम्हारा तो बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन भी वाकई ज्यादा कमजोर है। ये बात सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में किसी से ज्यादा इनसेंसिटिव गाय हो, क्या ये सब मेरे साथ होने में लगा हुआ है, वो तुम्हारे कारण नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी। ये बात सुनने के बाद तभी हमारे एमसी को एक छींक आती है और तभी उसके मुंह से एक ऑक्टोपस बाहर निकलता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे पेट में और कितना ज्यादा सी फूड रखा हुआ। लेकिन हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो हमें आराम करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी जल्द से जल्द। और तभी अगली बार उसके पेट से एक टर्टल बाहर निकलता है और आराम करने के लिए ढूंढने के लिए एक जगह वह जंगल की तरफ बढ़ पड़ते हैं, और वो भी दोनों के दोनों अकेले। तभी हमारे एमसी की नजर किसी चीज पर जाती है और वह वही गुफा होती है जहां पर वह डाकू लोग छुपे थे पहले, जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि यह तो एक केव है, हम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और तभी वो अपने पेट से निकाला गया उस ऑक्टोपस को पकड़ने लगता है।
और कहने लगता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगने में लगा हुआ है। और उसने न जाने कितना ज्यादा अपने पेट से सी फूड निकाला होता है और कई सारे मछलियां भी उसके साइड में रखी होती है, वो भी उसके पेट से निकली हुई। और हमारा एमसी अपने आप से ही कह रहा होता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था कि मेरे पेट में इतनी ज्यादा मछलियां चली गई और मैं इस सी फूड को काफी ज्यादा पैसों के लिए भी बेच सकता हूँ। दूसरी तरफ वो लूशा काफी आई मीन जूशा काफी ज्यादा छीकने लगती है। तभी हमारा एमसी वो भुना हुआ स्क्विड उसको देने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस ऑक्टोपस को खा सकती हो, ये अभी भी गर्म है। लेकिन ये देखने के बाद उसे उसे बिल्कुल भी ऐसी चीज पसंद नहीं आती और वो डायरेक्टली उसे मना करने लगती है। जैसे ही मना करती है और हमारा एमसी मान जाता है और खुद खाने लगता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी जूसा हमारे एमसी को बुलाती और उससे कहने लगते कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि तुम्हें किस बात का डर है, यहाँ पर बोन फायर जलने में लगी थी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पर कोई बंदा मौजूद था और थोड़ी देर बाद हम उन लोगों को जरूर ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद उनसे इस बारे में जरूर पूछेंगे। दूसरी तरफ हमें तभी एक बॉक्स को दिखाया जाता है और उस बॉक्स के पास एक स्नेक भी पड़ा हुआ होता है जो कि हमारे एमसी की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है। तभी कहानी शिफ्ट होती है उन दो डाकुओं पर जिन्होंने अपने साथी को मार दिया होता है और वहां पर एक गड्ढा खोदने में लगे होते हैं। और तभी टकलू बंदू बालू वाले बंदू से पूछने लगता है कि बिग ब्रदर मुझे एक बात समझ नहीं आया कि जो ट्रेजर है वो वाकई में इतना ज्यादा मैजिकल है। तभी बालू वाला बंदा उससे कहने लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया में लोग उसे ढूंढने के लिए मरे जा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तभी वो टकलू उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था अपने बिग ब्रदर से। और तभी वो फिर से पूछ लगता है लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई बिग ब्रदर, हम लोगों ने यहाँ पर दो बड़े बड़े गड्ढे क्यों खोदे। तभी वो बंदा हमारे टकलू पर अटैक करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ, और अटैक करने के बाद उस टकलू को वहीं पर मार देते और कहने लगता है वो टकलू उससे कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा। तभी बालों वाला बंदा उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जान चुके हो मेरे राज के बारे में, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता और जो खजाना है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करता है। तभी कहानी का सीन वापस से हमारे एमसी पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो देखता है कि जुओ शाह को अभी भी छींके आने में लगी होती और तभी वो वापस से उसे फिश खाने के लिए देता है और तुम कहने लगता है कि तुम इसे खा सकती हो, लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैं कभी भी इस सीफूड को नहीं खाने वाली। और जो स्नेक हमारे एमसी की तरफ बढ़ पड़ता है वो उस पर अटैक कर देता है जिसको देखकर हमारा एमसी सफरत हो जाता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उस स्नेक को आग में पकाकर हमारा एमसी उसे खाने की कोशिश करने लगता है। कोशिश क्या, उसे पका ही लिया है और उससे पूछ लगता है कि अगर तुम इसे खाना चाहो तो खा सकती हो क्योंकि ये कोई सी फूड नहीं है। ये देखकर वो जूशा काफी सफरत हो जाते हैं, उससे कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। और अगले ही पल पता चलता है कि इसके पेट में से जोर से आवाज आने लगती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो। जूशा इसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि तुम स्टबर्न, तुम्हें तो वाकई में किसी भी चीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन में फंस चुके हैं लेकिन तुम अभी भी आराम से खाने में लगे हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले खाना चाहिए और हमारा जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात सुनने के बाद जूसा उससे कहने लगता है कि अगर देखा जाए तो आखिरकार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो कोच था वो तुम्हें मारना क्यों चाहता था। ये बात तो हमारे एमसी को भी नहीं समझ में आती और तभी वापस से बकवास करते उससे कहने लगता है कि वो बंदा मुझे मारना चाहता था शायद क्योंकि वो जेलस था मेरी ब्यूटी को लेकर। ये सुनने के बाद जूसा उससे कहने लगता है कि अगर कोई भी यहाँ पर सिर्फ इसलिए उसे बंदे को मार देता क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तो तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर जिंदा क्यों होती। ये बात सुनकर हमारा एमसी सोचता है और कहने लगता है कि ये बात सोचने वाली तो है लेकिन मुझे ये बात पता नहीं समझ में नहीं आ रही आखिरकार उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया तो किया क्यों। और तभी उसके पांच में हमें कुछ चमकता हुआ दिखाया जाता है और वो कुछ नहीं बल्कि में एक सिग्नल होता है जिसको देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शौक हो जाता है जिसने हमारे एमसी को डुबाया था और वो कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग जियाउजी आइलैंड पर मौजूद है और जो लोकेटर वो अभी भी चेंज होने में लगा हुआ है। मैंने उस बंदे के पॉइंट में ये जीपीएस लोकेटर जानबूझकर डाल दिया था लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि वे अभी भी जिंदा होंगे। ये बात सुनने के बाद वो लुओजी उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मैंने एक काम दिया था तुम वो भी नहीं कर और तुमने अच्छे तरीके से इस काम को खत्म क्यों नहीं किया। ये बात सुनने के बाद सामने वाला बंदा घबराने लगता है और उससे क्या लगता है कि मुझे इस बात के बारे में पता भी नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होगी और अगर वो बंदा यहाँ पर आ गया और उसने बता दिया कि मैंने उसे मारने की कोशिश की तो मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर उन्हें जिंदा मत आने देना जिससे पहले कि वो यहाँ पर आए जल्दी से जाओ और उन लोगों को मार दो। तभी कहानी का शिफ्ट में दिखाया जाता है जहाँ टाइमलाइन चेंज होती है जहाँ पर हमारा एमसी अपने बचपन के बारे में बताता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम जुनबो है और मैं एक ऑर्फन हूँ और बचपन से लेकर आज तक मैं बड़ा अकेला ही हुआ हूँ और अपना पैसा मैंने खुद कमाया और अपनी जिंदगी में इसने कई सारी कठिनाइयों का भी सामना किया है। जहाँ पर उसे खाना खाने के लिए भी ढंग से नसीब नहीं हुआ करता था और जहाँ पर बताता है कि मैंने किस तरीके से एक ग्रैंडपा को अपनी फैमिली में शामिल कर लिया था लेकिन वो भी समय भी ज्यादा देर तक नहीं रहा और कुछ समय बाद वो ग्रैंडपा भी मेरे साथ नहीं रहे और जब मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो चुका जो मेरे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने मुझे अबंडन कर दिया था कई सालों पहले वो अचानक से मेरी जिंदगी में आते हैं और मुझे एक बहुत बड़ा घर मेरे नाम पर छोड़कर जाते हैं और उसके साथ साथ सिक्स सिस्टर भी। लेकिन बदकिस्मती से सभी के सभी सिक्स सिस्टर को एक ऐसी परमिशन दे जाते हैं कि उनकी बिना इजाजत के मैं इस घर को अपना नहीं बना सकता और उन सभी के पास उस घर को इनहेरिट करने की विल जरूर मौजूद। और आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि आखिरकार वह ओल्ड मैन सोचने में क्या लगा था, क्या मैं वाकई में उसका ग्रैंडसन भी हूँ और मेरी जिंदगी के साथ उसने इस तरह खिलवाड़ क्यों किया है।
है, मुझे ये बात पल्ले नहीं पड़ी। और वो अपने सूट को सुखाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि उसके सूट में आग लग चुकी है। तभी जुआ चाह उसे बताने लगती है और कहने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और तभी वो उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जुआ शाह को काफी ज्यादा जुकाम हो चुका है और वो छिकने में लगी हुई है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी इस कपड़े को गर्म कर दिया है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। तभी जुआ शाह उसको लेती है, उससे कह लगती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगी। तभी हमारा एमसी उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मेरे जो ग्रैंडपा थे वो किस तरीके के बंदे थे। ये बात सुनने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पर हमारा एमसी सर्वाथी उससे पूछने में लगा हुआ था कि मेरे जो ग्रैंडपा वो हमेशा से काफी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर के बंदे थे और काफी ज्यादा एबिलिटी भी थी, मैंने सही कहा तुमसे। ये बात सुनने के बाद जुआ शाह उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा ग्रैंडपा, इस दुनिया में वाकई में बहुत ज्यादा क्यूटेस्ट पर्सन, जितने भी क्यूट बंदे से आज तक मैं मिली हूँ उनमें सबसे ज्यादा, लेकिन भले ही मुझसे ज्यादा क्यूट तो नहीं थे, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा। और वो अपनी ही तारीफ करने लगती है। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने हमारे ग्रैंडपा से कैसे मिली, तुम मुझे बता सकती हो, और तुम्हें विल क्यों छोड़ी हमारे ग्रैंडपा ने। तभी जुआ शाह उसे देखकर उसके मुस्कुराती और मुस्कुराकर उससे कहने लगती है कि आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक और क्लोज नहीं है, तो आखिरकार मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तभी हमारा एमसी उदास हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तो बस इस बारे में पता लगाना चाहता था, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर वो वाकई में ऐसा नहीं चाहते थे कि मैं उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करूं तो आखिरकार मुझे इस बारे में उन्होंने बताया ही क्यों, जबकि उन्होंने ऑलरेडी मुझे अबंडन करने का डिसाइड कर लिया था, तो आखिरकार उन्होंने मुझे क्यों वापस से जोड़ा जब वे मरने वाले थे, और उन्होंने ऐसी इच्छा क्यों दिखाई कि आखिरकार मैं एक फैमिली बसाऊं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मुझे इस तरीके की पेन से क्यों गुजरना पड़ रहा है, मुझे अपने फैमिली मेंबर को खोने का जो दर्द है ना, उस दर्द को क्यों सहना पड़ रहा है, वो भी एक बार फिर। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी हमारे एमसी से माफी मांगती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा हार्श हो गई तुमसे, तो मैं सच सच बताऊं तो मैं और ग्रैंडपा काफी समय से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल और हम भी काफी ज्यादा समय हो चुका है एक साथ रहते रहते तुम्हें और मुझे, तो ये ज्यादा इम्पॉसिबल वाली बात नहीं होगी अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता दूं तो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैं तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगने वाली। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि लड़की तो वाकई में एरोगेंट है कितनी। तभी जुआ शाह उसे बताने लगती है और उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार उससे पहले क्या हुआ था मेरे ग्रैंडफादर से मिलने से पहले, और मुझे भी ये बात इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार तुम जैसा एक जेंटल बंदे को, जो हमारे जो जेंटल ग्रैंडफादर है, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को इस तरीके से अबंडन क्यों किया था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी क्या। ये सुनने के बाद हमारा एमसी सफरत हो जाता और अपने बचपन में जो अपने ग्रैंडफादर के साथ जो मेमोरीज गुजारी थी उनके बारे में याद करने लगता, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी हैप्पी मेमोरीज ही होती है, लेकिन जब उसकी फैमिली मेंबर्स ने और सभी ने हमारे एमसी को अबंडन कर दिया तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ $100 RMB ही मौजूद, जहाँ पर उसके घर पर आने के बाद लोग भी ये भी कहने लगते हैं कि आखिरकार ये बच्चा यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है, क्या वे सभी के सब लोग इस घर को छोड़कर नहीं गए, ये फैमिली तो वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात, हर दिन ये फैमिली लड़ती रहती और अब लोगों ने अपने बच्चे को भी यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है, क्या सोचने में लगे थे वे लोग। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मेमोरीज में मेरे ग्रैंडफादर को लेकर सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट्स ही मौजूद है। तभी जुआ शाह उसे बताने लगती है और कहने लगते हैं कि एक्चुअली मैं ऐसे फील कर सकती हूँ कि जो ग्रैंडपा हैं वो अपने जितने भी पाप किए थे उन पापों को धोना चाहते थे और अटोनमेंट करना चाहते, सीधे शब्द में कहो तो पश्चाता, और शायद उनके दिलों में वो महसूस कर सकते थे कि वो कितना ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहे थे, और तो और मैंने यह भी सुना है उन्होंने कई सारे ऑर्फन्स को पालने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी डोनेट किया है, क्योंकि वो समझते थे कि अगर मैं किसी ऑर्फनेज को डोनेट करता हूं तो वो सारा का सारा पैसा गायब हो जाएगा, तो उन्होंने डोनेट ना करते हुए खुद का ऑर्फनेज ही खोल लिया था और इस तरीके से दूसरों की मदद भी किया कर सकते थे। और तो और बात करें विला के बारे में तो मतलब बाव बाव को छोड़ सब लोग तुम्हारी तरह, सब लोगों को सब लोग मतलब अकेले हैं पूरी फैमिली में, कोई भी नहीं है फैमिली में, और सभी के सभी लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खो दिया है वो भी यंग एज में। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता कि अच्छा अब मुझे समझ में आई कि जहाँ पर जितनी भी लड़कियां वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बिना पेरेंट्स के और सभी के सभी अनाथ और उनके पास फैमिली मौजूद नहीं है। तभी हमारी जुशा वहाँ पर छींकना चालू फिर देखने लगती है और तभी उसे बताने लगती है कि ज्यादातर जो हमारी जो कन्वर्सेशन हुआ करती थी मेरी सेकंड सिस्टर और ग्रैंडपा के बीच तो वो ज्यादातर हमेशा जुनवो और जुनहाई के नाम लिया करते थे और तुम इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो तो तुम्हें सेकंड सिस्टर के पास जाना चाहिए पता लगाने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसका धन्यवाद देता है, जिसको देखकर जुआ शाह काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि हमारा एमसी पहली बार मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इतना सब बता दिया, लेकिन हमें पता चलता है कि जुआ शाह के दिल में हमारे एमसी के लिए बीज उग चुका है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्यार के फूल खिलने वाले हैं फ्यूचर में, इसका एक्सप्रेशन देख कर ही पता चल रहा है। और वो मना करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं किया था, बस मुझे ग्रैंडपा की याद आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बात कर लिया। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये लड़की फिर से हरकतें करने लगी फालतू, यहाँ पर वो शर्माते हुए फिरते कहने लगते कि मैं वाकई में ग्रैंडपा को मिस कर रही हूँ। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता और वे दोनों को दोनों वहीं आराम कर रहे होते और आराम करते करते हमारा एमसी उसे देखता है तो देखकर पता चलता है
है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम अचानक से इतनी ज्यादा शांत क्यों हो। और जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि जुहू शाह को वहाँ पर नींद आ चुकी है और वो वहीं पर सो गई है, जिसको देखकर हमारा एम समझ जाता है और कहने लगता है, देखकर इसका चेहरा लगता नहीं है कि ये काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होगी, और उसका हेड चेक करने लगता है और कहने लगता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे बुखार हो चुका है क्योंकि इसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया, तो सीधी सी बात है कि ये बीमार पड़ गई होगी। लगता है कि अब मुझे जंगल में जाकर कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आने पड़ेंगे इसके लिए, और वो उस गुफा के बाहर चला जाता है। और थोड़ा समय बीतने के उस गुफा के पास कोई अजीब सा बंदा दिखाया जाता है, एक नए बंदे को, जहाँ पर अभी तक जुहू शाह को होश नहीं आया होता और एक परछाई दिखाई जाती है। और यह बंदा वही बालों वाला बंदा होता है जो कि जुहू शाह को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। उसके हाथ में वही वेपन होता है जिसने अपने साथी को मारा था, उस वेपन का इस्तेमाल कर। जहाँ पर जुहू शाह को तो इसके बारे में पता भी नहीं रहता कि आखिरकार उसके साथ क्या होने में लगा, और वह बालों वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ जुहू शाह को घूरने में लगा हुआ, और इसकी आंखें देखकर पता चलता है कि ये एक नंबर का ठरकी है और कह रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ इतने ज्यादा बड़े खजाने के साथ ही ब्लेस्ड नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं अब मेरे पास तो डायरेक्टली भगवान ने मुझे एक गर्लफ्रेंड भी यानी कि एक लड़की भी गिफ्ट के तौर पर दे दी है। और ध्यान से अगर देखा जाए तो इस अकेले आइलैंड में एक लड़का अरे एक लड़की अकेले एक गुफा के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? मैं तुम्हारी प्रेफरेंस को समझ सकता हूं मेरे लवली स्क्रिप्ट राइटर, और अजीब तरीके के पोज बनाते हुए कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूं तुम चाहते हो कि मैं सभी की सभी मेन का जो सपना होता है उस सपने को पूरा करूं। जरा इस लड़की को देखो तो जरा कितनी ज्यादा जेंटल गर्ल है और कितनी ज्यादा इसकी टेंडर बॉडी, और इसका चेहरा तो देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम है, अब समय आ चुका है इसे एंजॉय करने का। और जब इतना चलने में लगा हुआ होता है तभी अचानक से जुहू शाह को होश आता है, जहाँ पर वो देखती है कि वो बंदा उसे किस करने की कोशिश करने में लगा था, और तभी वो जोर से चिल्लाती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अभी भी फ्रूट छांटने में लगा हुआ, जहाँ पर वो कई सारे फ्रूट्स इकट्ठे करने में कामयाब भी रहता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर तो वाकई में इस आइलैंड में काफी ज्यादा फ्रूट्स मौजूद है, और उसके पांच का जो जीपीएस है वो अभी भी चालू है। और जहाँ पर हमें बोर्ड दिखाई जाती है और उस बोर्ड पर वह सभी के सभी लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं, और मोबाइल में देखकर बंदा कह रहा होता है कि इस बंदे को मारने के बाद आखिरकार हमें कितना पैसे मिलने वाला है। ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि हर बंदे को 5 मिलियन मिलेगा। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, आखिरकार इस बंद इतना ज्यादा प्राइज देने वाला बंदा है। ये सुनने के बाद वो बंदा बताता है और कहने लगता है कि कोई और नहीं बल्कि मैं ड्रैगन किंग, और वो दोनों के दोनों ड्रैगन किंग का नाम सुनने के बाद शौक हो जाते हैं। लगता है कि पास्ट में इन्हें बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिला था इस ड्रैगन किंग के कारण, और कहने लगता है कि ये रूमर यहाँ पर कहानियों में कहा जाता है कि वे बंदा एक डीमन है जो कि किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को भी नहीं पता, पूरी तरीके से अननाउन, और कहा जाता है कई सारे ऐसे केसेस थे जो कि इससे रिलेटेड, लेकिन पुलिस को उस केसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, एक सबूत भी इसके खिलाफ नहीं मिला, और बल्कि मैं इसे पकड़ा भी नहीं गया उसके द्वारा। तभी वो बंदा उसे बताने लगता है कि जो ड्रैगन किंग है वो अभी भी जिंदा है, और वो ड्रैगन पैलेस को छोड़ने के लिए रेडी है, और वो कभी भी वहां से निकल सकता है। लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी स्टॉर्म आने वाला, जैसे कि 5 साल पहले आया था इस वर्ल्ड में या फिर इस जगह पर। तभी नेक्स्ट सीन में जुहू शाह को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से पूछ रही होती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और वह बंदा जुहू शाह को अपनी नाइफ दिखाते उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स ये बात है मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी वो बंदा अपनी स्टोरी बताता और कहने लगता है कि जब से मैं छोटा हुआ करता था सभी की सभी लड़कियां हमेशा मुझे रिजेक्ट कर दिया करती थी मेरी अपीयरेंस के कारण। जहां पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसने अपने से ज्यादा साइज वाली लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उस लड़की ने डायरेक्टली उसे मना कर दिया ये कहते हुए कि तुम काफी ज्यादा अगली हो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं बड़ा होने के बाद हर समय जब भी मैं किसी भी लड़की को रिजेक्ट करते हूँ, यहाँ तक कि वो कोई भी लोली हो बड़ी हो छोटी हो सभी की सभी उसे रिजेक्ट कर देते थे। और इतना ज्यादा परेशान होने के बाद मैंने उन सभी की सभी लड़कियों को काफी ज्यादा अच्छा मजा सिखाया कि किस तरीके से दूसरों की इज्जत की जाती है। आखिरकार मैं एक रिसेसिव मैन जो हूँ। और तभी वो अपनी नाइफ को फेंक कर मारता है जिसको देखकर वो डर जाती है काफी ज्यादा। और वो जुहू शाह के काफी नजदीक आने के बाद उससे क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा अगली हूँ और तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगे? और वो घबराते उससे कहने लगते कि नहीं तुम बिल्कुल भी अगली नहीं है। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता था क्योंकि तुम वह एक ऐसी एंजल हो जिसे स्क्रिप्ट राइटर के द्वारा मेरे लिए ही भेजा गया है। तभी वो बंदी घबराती है उसको कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदे की सटक जाती है और उसे डरा देता है, उसकी पसीने पसीने हो जाते हैं और वो घबराते हुए कहने लगे डरते डरते काफी ज्यादा वहीं पर लेट जाती है। और वो बंदा उसके ऊपर चढ़ते हुए उससे कहने लगता है कि बट वॉट अगर तुम क्या कहना चाहते। तभी जुहू शाह उससे कहने लगते कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि मैं तुम बाकी में ऐसा सोचती हूँ कि मैं अगली हूँ। ये सुनने के बाद जुहू शाह उससे कुछ भी नहीं कह पाता, वो चिल्लाते हुए जुहू शाह पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ जो कि जो लोग मेरे मुंह पर यह कहते हैं और जो सोचते हैं कि मैं एक अगली बंदा हूँ, और तुम अब मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, तुम्हें मरना होगा। तभी जुहू शाह चिल्लाते हुए आखिरी बात पर कहने लगती है कि मेरा एक हस्बैंड ऑलरेडी मौजूद, तुम वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये बात सुनने के बाद उसके हाथ से वह नाइफ छूट जाती है, और जो वो सूट पहनी होती है अपनी बॉडी को ढकी होती है उसमें एक कट लग जाता है और वो पूरी तरह से फट जाता है। और वहां फटने की जिस जगह पर जिससे फटता है वो जगह भाई देखने लायक होती है, और वो बंदा ये बात जानने के बाद वहीं पर रोना चालू होने लगता है और रोते रोते कहने लगता है कि तुम वाकई में मैरिड हो। और इस तरीके की एक्सप्रेशन जब ये बंदी इस बंदे को देखती है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इस परवर्ट का जो टेम्परमेंट है वो अचानक से इतना ही बदल चुका है, लगता है कि मुझे इसे गुस्सा दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मुझे यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है और किसी तरीके से यहाँ से निकलना होगा जिंदा। और वो बंदा काफी तो उदास हो चुका होता है और कहने लगता है कि आखिरकार कैसा ऐसा हो सकता है, मैं वाकई में लेट हो चुका और इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
और वापस से जुओस्ता की तरफ देखता है और उससे कह लगता है कि एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आखिरकार तुम मुझे झूठ के बोलने में लगी हुई हो। अगर तुम वाकई में शादी करी होती तो आखिरकार तुम्हारी वेडिंग रिंग वह कहाँ पर है, क्योंकि उसके हाथों में कुछ भी मौजूद नहीं होता। जिसको देखकर वो समझ जाता है और कह लगता है कि एक बात समझ नहीं आई कि आखिरकार तुम इस डेजर्टेड आइलैंड में अकेली क्या करने में लगी हुई। इससे यह साबित होता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। और इसका इसकी इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद जुओस्ता मन में सोचते हुए कहने लगती है, खत्म भाई खत्म, ये बंदा अपना ब्रेन इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। और हमारे हमारे इस जुओस्ता के इतने नजदीक आने के बाद उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम वाकई में इतना क्यों सोचती हो कि मैं इतना ज्यादा अगली हूँ, और तुम वाकई मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती, क्या मैं वाकई में इतना ज्यादा अगली हूँ। ये बात सुनने के बाद वो घबराती है, उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरा जो हस्बैंड और मैं यहाँ पर हनीमून के लिए बनाने के लिए आए थे। ये बात सुनने के बाद वो बंदा वापस से हंसने लगता और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर ऐसी बात है तो वह कहाँ पर। तभी जुओस्ता घबराती है वो उधर उधर देखने लगती है और तभी अचानक से दूसरा इशारा करती है और उससे कहने लगती है वो यहाँ पर आ चुका है। और तभी हमें पता चलता कि हमारा एमसी वहाँ पर कई सारे फ्रूट्स उसके लिए लेकर आ चुका है और वहाँ का माहौल पूरी तरीके से सन्नाटे से भर जाता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कोई क्या चल रहा है। तभी जुओस्ता चिल्लाती है और उससे कहने लगती है, यानी हनी तुम वापस आ चुके और हमारे एमसी को तो फ्यूज जोड़ गए होते हैं। और घबराती हुई कह रही होती है कि हम लोग तो यहाँ पर एक मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, तो मैं बिल्कुल भी मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है। तभी वह बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो बे। और हमारा एमसी सारी की सारी सिचुएशन नोटिस करता है, यहाँ पर उसे नाइफ दिखती है, जुओस्ता के हाथ बंधे हुए हैं और एक नया बंदा, और इस चीज को देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि जुओस्ता यहाँ पर खतरे में। तभी वो बंदा उसको देखकर कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ पूछने में लगा हुआ। और हमारा एमसी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए कुछ फल फ्रूट लेने के लिए गया था, और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो और कौन हो। जब ये हमारा एमसी उसे अपना वाइफ कहकर बुलाता है, ये बंदा और भी ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि ये बंदी वाकई में मैरिड है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी ज्यादा क्यूट लिटिल गर्ल तुम जैसे बंदे के किस तरीके से शादी कर सकती है, और मैं इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता कि इस जैसे क्यूट लड़की को तुम जैसे बंदे को सर्व करना होगा, और मैं इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो वापस से अपनी नाइफ उठाता है और उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है, मुझे यही अपनाना पड़ेगा और मैं तुम्हारा साइडिक बनने के लिए तैयार हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा हस्बैंड। अब समझ जाओ, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, शब्दों को भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो। और वो पोज मारते उससे कहने लगता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं बस अपने प्यार के लिए फाइट करने में लगा हुआ। और चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम जैसे अगली मैन को मेरे जैसे अब मेरी बेबी असुका का प्यार पाने के लायक नहीं है ये बंदा, इस बंदे को उससे डिवोर्स लेना हो। जब बंदा हमारी जुओस्ता को असुका कहकर बुलाता है तो हमारी जो जुओस्ता है उसे चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि मेरा नाम असुका नहीं है और मुझे बेबी कहना बंद करो। हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू अगली होगा, तेरा पूरा पूरा खानदान अगली होगा। ये बात सुनने के बाद उस बंदे की सटक जाती और वो डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। हमारा उस लकड़ी से अब उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और वो लकड़ी वहीं पर टूट जाती है। और तभी वो बंदा हमारे एमसी की जोरदार किक मारता है जिससे कि हमारा एमसी को चोट लग जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। और तभी वो बंदा हमारे एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है अपनी नाइफ, और तभी जुओस्ता उसे लाते उसे रोकने की कोशिश करती है और खड़ी होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी नाइफ बगल में ही जाकर लग जाती है जहाँ पर वो बंदा कहने में लगा हुआ है कि तुम जैसे अगली बंदे इस वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना आसुका, और वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो इस मौके का हमारा एमसी फायदा उठाता है और सीधे जाकर उसकी गर्दन पकड़ उसे एक धोबी पछाड़ देने की कोशिश करने लगा और किसी सांप की तरह उसकी गर्दन पर जाकर चिपक कर उसके बालों को खींचना चालू करने लगा। लेकिन जैसे वो उसके बालों को खींचने की कोशिश करता है तो पता चलता है उसके बाल हमारे एमसी के हाथ में आ जाते हैं और हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है एमसी और सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है और हमें उड़ते हुए बाल दिखाई दिए जाते जो कि सीधे जाकर जुओस्ता के पैरों के पास जाकर गिर जाते। इसको देख जुओस्ता और हमारा एमसी दोनों शॉक होते हैं और जहाँ पर पता चलता है कि उस बंदे के तो भाई पूरे के पूरे बाल उखड़ गए, उसके सर से उसे टकला कर दिया जा चुका है और उसका सर एक एयरपोर्ट में तब्दील हो जाता है और वहाँ का माहौल भी काफी इंटेंस हो जाता है। और तभी बंदा उससे पूछने लगता है, क्या तुम सभी के सभी लोगों ने ये देख लिया ना, मैंने सही कहा ना, तुमने देखा ना इसे और तुमने ये भी देख लिया कि ये बहुत ज्यादा अगली है, मैंने सही कहा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में जिस तरह से जब भी किसी को प्रपोज करने के लिए जाया करता था तो उसके बाल नहीं थे इसलिए अगली दिखा करता था और कई सारी लड़कियों ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया है इसी कारण की वजह से, जिससे कि इसे मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा और सभी के सभी लोग बस इसकी बेइज्जती ही किया करते थे और कई लड़कियां तो उसे बाल कहकर बुलाती थी और कोई भी इसका दोस्त भी नहीं था पूरी पूरी जिंदगी में। और इसी तरीके से वे बड़ा हो गया और कह रहा होता है पागलों की तरह, इसका दिमाग खराब हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे बाल नहीं है इसलिए सभी के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं और सभी के सभी लोग मेरे बारे में सिर्फ बुरा ही बोलते हैं, क्या मैं वाकई में इस तरीके की डिजर्व करता हूं और आखिरकार अगली लोगों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है क्या, तुम दोनों ही मुझे बता, क्या तुम्हें भी वाकई में ऐसा लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा अगली हूँ। ये बात सुनने के बाद जुओस्ता उसे मना करने लगती है और कहने लगता है कि नहीं तुम नहीं हो, लेकिन हमारा एमसी डायरेक्टली मुंह पर बोलने लगता है और कहने लगता है कि हाँ भाई तू कुछ ज्यादा ही अगली है। ये सुनने के बाद जुओस्ता भी शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से आग में तेल डालने का काम बंद कर दो। और तभी भी बंदा खड़ा होते हुए उससे कहने लगता है कि इसका मतलब तुम्हें भी यही सेम तरीके से फील होता है और अपने चाकू से उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जैसे वो बंदा उन पर अटैक करने लगता है तो हमारा एमसी जुओस्ता को बचाने के लिए आ गया और अपने उसकी किक को अपने हाथों से झेलने की कोशिश करता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो डायरेक्टली दीवार से जाकर टकरा जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये बंदा तो वाकई में बहुत पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है कि वो टकला डायरेक्टली हमारे एमसी की तरफ पुलिस गिरफ्तार में आने के बाद उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है और उसके चेहरे पर किक मारता और गंदी तरीके से हमारे एमसी को पीट जाता है। और हमारा एमसी को जब पीटते हुए जुओस्ता उसे देखती है तो बचाने के लिए आगे आगे लगती है
तभी वो टकलू जुआ शाह से उससे पूछने लगता है कि अब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तो मैं लगता है ना मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ, सही का मैंने, अगर तुम मुझे किस करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं इस बंदे को एक हंसी वाली जिंदगी मौत देने के लिए तैयार, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और जैसे ही हमारी जुआ शाह किसके बारे में सोचती हो तो उसे उल्टी आने लगती है, जहाँ पर वो बंदा पोज मारते उससे कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे बसर के ऊपर बीचों बीच बिल्कुल भी बाल मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी पूरी की पूरी जो अपीयरेंस है वो इस बच्चे से ज्यादा बेटर है। तभी हमारे एमजी को होश आता और वो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता, और तभी वो टकलू अपने चेस्ट की तरफ इशारा करता है उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचती हो कि मेरे पास सिर्फ मेरा चार्म ही नहीं है बल्कि मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मैं इस बच्चे से ज्यादा बेटर हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आखिरकार तुम किस तरीके से तुम्हें चूज करना चाहिए अच्छे बंदे को। तभी दिखाया जाता है कि उसके पैर जोर से पिंच करने लगता है और घुमाने लगता है, और ऐसा करने वाला बिल्कुल हमारा एमसी होता है, जिसको देखकर जुआ शाह काफी ज्यादा चौक हो जाती है, और इतनी गंदी तरीके से पिंच करने के कारण उस बंदे को रोना आ जाता है और उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर वो टकलू चिल्लाता और कहने लगता है कि तू ब्रेड कहीं का, तेरी हिम्मत कहते हुए इस तरीके की अगली ट्रिक इस्तेमाल करने की। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार मैं डर्टी ट्रिक इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। वो गुंडा चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैं तो यहीं पर मार दूंगा, और जैसे वो नाइफ से मारने की कोशिश करता है तो हमारा एमसी दो हाथों से उसके नाइफ को रोकने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर जुआ शाह शौक हो जाती है और वो बंदा भी घबराते हुए उससे गाली देने लगता है। और हमारा एमसी सीरियस मूड में आने के बाद उससे कहने लगता है कि हे बाल्डमैन, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ रिथितियस हो। ये सुनने के बाद वो टकलू चिल्लाता उससे कहने लगता है कि अभी भी तुमने मुझसे क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसा कहने की, तुम द्वारा क्या कर दिखाओ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम एक बहुत बड़े टकले बंदे जिसके सर के पास बिल्कुल भी बाल नहीं। ये सुनने के बाद वो टकलू उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझे टकला कहने की, क्या इस दुनिया में टकले लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं, जो तुम टकले लोगों की जिस तरीके से बेइज्जती करने में लगे हो। और वो बंदा हमारे एमसी पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है अपनी नाइफ के साथ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई टकला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं है, यहाँ तक कि हमारे जो रीडर्स हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी तो यही सोचते होंगे ना कि इस बंदे से हैंडसम तो हमारा एमसी है। और एक पंच इसके चेहरे पर दे मार, जिससे कि वो बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पर उस बंदे को बांध दिया जाता है हमारे एमसी के द्वारा। बंदा कह लगता है कि तुम बस मुझे मार दो, क्योंकि आखिरकार तुमने मेरे अगली फेस को देख लिया है, और उस केस को खोलने की कोशिश करने लगता है उस चेस्ट को। और इतना ही नहीं बल्कि मैं उसका इंसल्ट भी कर दिया जा चुका है हमारे एमसी के द्वारा, और कह लगता है कि और मैं जिंदा नहीं रह सकता। तभी हमारा एमसी उस बॉक्स को खोलने के बाद उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं बंदों को नहीं मारता हूं, इंसानों को नहीं मारता हूं, और अगर तुम जाकर मैं मरना चाहते हो तो तुम अपनी टांग को काटकर खुद मर सकते हो। और ये सोचने में लगा हुआ था कि आखिरकार ये खजाना है वो मेरा हो चुका है, चलो देखते हैं कि आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तभी हमारा जो जुआ शाह होती है वो पीछे खड़ी होकर दिख रही होती है, और वो टकलू चिल्लाते उससे कहने लगता है कि बीबी आसुका प्लीज प्लीज मुझे मार दो, और वो कहने लगता है कि तू मुझसे दूर रह, ठगी गई। और तभी जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तो हमारा एमसी उसे देखकर शॉक हो जाता, क्योंकि उस बॉक्स में सिर्फ और कुछ जड़ी बूटियां होती है, जिसको देखकर हमारा एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार इन सब का क्या मतलब समझूं मैं। तभी बंदा एक्सप्लेन करने लगता है और उससे मेडिसिन के नाम बताने लगता है, और उससे कहने लगता है कि ये मेडिसिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बालों को ग्रो करने में हमारी मदद कर सकती है, और मैं पूरी की पूरी जिंदगी भर इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए जिंदगी इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्रीसियस और प्राइसलेस ट्रेजर है जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, जिसको देखकर हमारे एमसी को गुस्सा आ जाती है, और जिसको देखकर जुआ शाह भी काफी शॉक होती है, और हमारे एमसी उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन जुआ शाह उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उस आइलैंड पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता जहाँ पर वो दूरते दूरते हमारे एमसी को ट्रैगर को दूरते दूरते पता लगाते लगाते उसके पास पहुंच जाते, और अंदर आने के बाद वो कहने लगता है कि हमने फाइनली इस बंदे को ढूंढ लिया है, क्योंकि जो लोकेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तभी हमारी जुआ शाह की नजर किसी चीज पर जाती है और वो उससे पूछ लगती है कि आखिरकार यह क्या चीज है, और ये चमकती हुई एक लाल चीज होती है, जिसको देखकर हमारा एमसी कम्प्लीटली कंफ्यूज होता है, जिसको देखकर जुआ शाह उससे कहने लगती है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। और तभी एमसी को याद आता है और कहने लगता है कि ये चीज तो लोकेटर, जब बंदा मुझे कपड़ा पहनाने की कोशिश करने में लगा हुआ था तभी शायद इसने मेरे कपड़े पर उसे लगा दिया था। ये देखकर जुआ शाह काफी शौक हो जाती है, और तभी हमारा एमसी से देखकर कहने लगता है कि वो बंदा जानबूझकर मुझे मारना चाहता था, और उससे कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द जगह छोड़कर जाना होगा, वरना बाकी जो सिस्टर्स है वो भी काफी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। ये सुनने के बाद जुआ शाह उससे पूछने लगते है कि आखिरकार हम वापस कैसे जाए। तभी हमारा एमसी उस टकलू से पूछने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस आइलैंड पर कैसे आए। तभी वो टकलू चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अगर तेरे में हिम्मत है, एक बाप की औलाद है, तो जल्दी से आकर मुझसे फाइट, तब मैं तो ये सच बता दूं। तभी हमारा एमसी उस शवल को उठाने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा काफी डर जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि मैं उसकी गर्दन पकड़ने के बाद उस शवल से मारने की धमकी देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मुझे जल्दी से बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, आखिरकार तुम इस आइलैंड पर कैसे। तभी बंदा वो घबराने लगता है, तभी हमारा एमसी उसके साथ कुछ करने लगता है, और तभी कुछ अपनी जो स्किल्स होती है ना बाल काटने वाली, वो स्किल्स उसे दिखाता है, उसके बच्चे को बाल भी काटने लगता है। तभी जुआ शाह उसको देखती है तो उसकी इतनी ज्यादा दर्दनाक चीज को देखने लायक नहीं बचती, और वो अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने लगती, और वो टकलू उसे बताने लगता है कि साउथ वेस्ट कोस्ट में यहाँ पर एक शिप मौजूद है, और जुआ शाह और हमारे एमसी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते, और हमें पता चलता है कि उस टकले को पूरा का पूरा टकला बना दिया जा चुका है हमारे एमसी के द्वारा।
और वह सभी के सभी बंदे लोकेट करते करते उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बंदा अपने साथियों से कहने में लगा हुआ होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाना होगा, वो भी अच्छी तरीके से। और वो दोनों को दोनों अंदर कूट पड़ते हैं। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको देखकर वो बंदा सफरात हो जाता है। और वहां पर उन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है और कहने लगते हैं कि जो लोकेटर वो इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है। मैं जिसको देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ। जहाँ पर जुगो शाह घबराते हुए हमारे एमसी से कहने में लगी हुई थी कि ये बंदा वाकई बहुत डरावना। और वह लोग फाइनली उस बोट पर पहुंच जाते। तभी किसी तरीके से वो बंदा अपनी रस्सियों खोलने में कामयाब रहता। तभी जुगो शाह हमारे एमसी से पूछने लगते कि आखिर का जो शिप है वो किस तरीके से वर्क करती है, और कहने लगते कि चलो जाकर इस बंदे से पूछ। लेकिन जब वो पीछे देखती तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती, क्योंकि जो बंदा है उसने अपनी रस्सियों को खोल दिया होता है। और वो हंस रहा होता और हंसते हंसते कहने में लगा होता कि फाइनली फाइनली मैं यहाँ पर आजाद हो चुका। और वो वहां से फुल स्पीड में भागना चालू करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी अगली लोग मैं तुम मेरा तुम्हारा तुमसे छुटकारा पा चुका और मैं यहाँ तक अपने ट्रेजर को वापस लेने के लिए जा। और तुम दोनों के दोनों इग्नोरेंट कपल कहीं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ट्रेजर को पाने में कामयाब रहोगे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि ये बास्टर्ड ने अभी अभी मुझे गाली दी। लेकिन जुगो शाह को इस बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं इस बात को लेकर इसका चेहरा टमाटर लाल पड़ा हुआ होता है, क्योंकि इस बंदे ने अभी अभी इसे इग्नोरेंट कपल कहा और कह रही होती कि हम लोग वाकई में इग्नोरेंट कपल, यानी कि इसके दिल में कुछ ना कुछ तो हो चुका है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इस बंदे को इग्नोर करना चाहिए, हमें अब हमें जल्दी से जल्द वापस जाना होगा। इसको सुनने के बाद जुगो शाह सफरात हो जाती है और उससे कहने लगते हैं कि थोड़ा कपकपाते हुए कि ठीक है मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार। जिसको सुनकर हमारा एमसी सफरात हो जाता और शौक के मारे पीछे मुड़कर देखने लगता, जहां पर जुगो शाह उससे कहने में लगी हुई थी कि इसके बारे में मेरे कहने का मतलब है कि तुम इस बोट को चला सकते हो और मैं तुम्हारी हर कमांड को फॉलो करूंगी। और तभी हमारा एमसी भी एग्री हो जाता है और वो पीछे पीछे जाने लगती है। जहां पर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम यहां पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकती हो उसका इस्तेमाल कर। वो कहने लगती है कि अच्छा ठीक है। तभी कहानी का सीन वापस से उस गुफा में शिफ्ट होता है, जहां पर उसकी जो जड़ी बूटियां उसे जमीन पर फेंक दिया जा चुका और वो तीनों के तीनों उसको फेंकते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या चलने में लगा हुआ, हमने हर जगह देख लिया उस आइलैंड पर लेकिन कुआं अंदर मिला तो मिला, अगर हमें जल्द से जल्द इन्हें ढूंढना हो। और आखिर ये सब क्या चीज, मुझे लगा था कि यहाँ कुछ अच्छी चीज हमें मिल जाएगी। और इस चीज की बेइज्जती करते हुए टकलू बंपर पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ट्रेजर को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए। तभी बंदा उस बाल्डी को देखने के बाद उससे कहने लगता है कि तुमने अभी अभी एक लड़के को देखा है। और जैसे ही इसे टकला कहता है, बाल्डी कहता है, इस बंदे को गुस्सा आने लगता है। जहां पर वो बंदा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछने लगता है कि मैं तुमसे पूछने में लगा हुआ हूँ, कहता है तुमने यहाँ पर एक लड़का एक लड़की को देखा है साइलेंट। और वो पीछे के दोनों दोनों लड़के लोग हंसने में लगे होते और कह रहे होते कि ये बंदा कितना ज्यादा अगली हेयर बचा हुआ, अगली बंदा, इसके सर पर सिर्फ और सिर्फ दो तीन बाल बचे हुए। तभी वो टकला अपनी एक लकड़ी उठा और उन पर अटैक करने लगता है और उससे कहने लगता है कि हमारी जो बाल्डनेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तीनों के तीनों को पेट में वो एक साथ घुसेड़ देता है और वो तीनों के तीनों वहीं पर मारे जाते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है सूरज की तरफ, जहाँ पर हमें सेकंड डे के आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सन डूबने में लगा और सभी की सभी लड़कियां काफी ज्यादा उदास होती है, सबसे ज्यादा उदास तो हमारी सेकंड सिस्टर होती है। तभी अचानक से जुनबा को कुछ दिखाई देता है, जहाँ पर वो सुनती है और चिल्लाते हुए कहने लगते कि तुमने उन लोगों को ढूंढ ली। जहाँ पर उसका बॉडी वेट कहने लगता है कि जी मैं सामने उन्हें ढूंढ लिया, हमने इन दोनों को इस समंदर के बीच में ढूंढा जहाँ पर उन लोगों ने हमारी मदद के लिए अपनी मदद के लिए हमें बुलाया। तभी हमारा एमसी एक पाउच उसके सर पर रखता है ठंडा, जिससे कि उसे पहले बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी ना, जिससे कि उसे आराम मिले थोड़ा। जहाँ पर वो बताने लगता कि हम जल्दी ग्रेट वेस्ट कोस्ट पर जल्दी पहुंच जाएंगे, तब आप लोग वहां पर मिल सकते। तभी सभी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते, जहां पर इतने ज्यादा समय मिलने के बाद वो एक दूसरे के गले लगते हैं और कह रहा होता है कि इतना ज्यादा कठिनाई बड़े समय से गुजरने के बाद जुर्मो और जूश फाइनली ग्रेट वेस्ट कोस्ट पर वापस पहुंच चुके हैं, वो भी सुरक्षित। और सभी के सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, खासकर हमारी सेकंड सिस्टर, क्योंकि इनकी लाइफ का जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट सरप्राइज जो था वो वाकई में फॉल्स अलार्म में बदल गया। लेकिन अभी तक इन लोगों को एक बारे में किस चीज के बारे में नहीं पता, क्योंकि इनकी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा ग्रेट चेंज है वो अब होने वाला। जहां पर वैनमैन की मदद करने वाला बंदा उससे कहने में लगा हुआ होता कि फाइनली सबको सुरक्षित है और तुम लोग वापस आ चुके, और एक बार तुम जब वापस चले जाओ तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। तभी वैनमैन उससे कहने लगते कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रिप में तुमने जो हमारी मदद की थी उसके लिए। तभी वो बंदा कहने लगता है कि ये तो प्लेजर वाली बात है, आफ्टर ऑल जो ग्रैंडपा उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद जो की थी। और वह बंदा गुड बाय कहते हुए वहां से जाने लगता है। तभी हमें एक बंदा कॉल करते हुए दिखाया जाता और किसी से कहने में लगा हुआ था कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि इससे मेरा जियाउद्दीन का कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम प्लीज उसे चोट मत पहुंचाना। दूसरी तरफ से कॉल कट जाता है तो ये बंदा रोना चालू कर देता और कहने लगता है कि प्लीज यंग मास्टर प्लीज। और इसी तरीके से वे भयानक रात का जो सीन वो हमारे एमसी के कमरे में शिफ्ट होता, जहाँ पर रीतियान हमारे एमसी से पूछने में लगा हुआ था कि तुमने तो वाकई में मुझे बुरी तरीके से डरा दिया था, मुझे नहीं बल्कि मैं हम सभी, क्या तुम लोगों ने उस आइलैंड पर कुछ उल्टा सीधा किया था। लेकिन हमारा एमसी उस बंदे से पूछ लगता है कि आखिर का जो डाइविंग इंस्ट्रक्टर है वह कहाँ पर गया है। तभी रीतियान उसे बचाने लगता है कि जो सेकंड सिस्टर है और लिटिल बाई बाई वो भी उनको बंदे को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन मुझे पता चला है कि वो बंदा ऑलरेडी वहां से गायब हो चुका है, क्या उस बंदे के साथ कोई परेशानी। तभी हमारा एमसी सोचने लगता है और सोचते मन में कहने लगता है कि ये जो बंदा है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगता है कि मुझे इस बंदे को जल्द से जल्द पता लगाना होगा, ढूंढना होगा कि आखिर क्या सच बात। तभी कहानी का सीन शिफ्ट होता है जुगो शाह की तरफ, जो कि अपनी स्कूल की ड्रेस पहनकर अपने चेहरे को देखने में लगी होती और देखते देखते काफी ज्यादा शर्माई भी होती और उस मूवमेंट के बारे में याद कर रही होती है जिस जो मूवमेंट उसने उस एमसी के द्वारा यानी कि जुनबो के साथ गुजारे होते हैं उस अकेले आइलैंड पर। जब उसने उससे कहा था कि मैं अपनी वाइफ के लिए फ्रूट्स लेने के लिए गया तो तुम कौन,
उस मूवमेंट के बारे में सोचते सोचते उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ चुका होता है और मन में सोचती हूँ अचानक से उसे याद आता है और कहने लगती है कि मैं तो वाकई में उस बंदे के प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुकी हूँ। और जब उस बंदे ने मुझे बताया था तब उसे काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी थी। मेरे लिए बेटर रहा कि मैं उस बंदे के रूम में और पता करकर कि आखिरकार उसकी चोट कैसी है। और तभी वो अपना बड़ा सा सूटकेस खोलती और उस बैग में से अपनी ड्रेसेस को चुन चूज करने लग, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा कपड़े होते हैं, इतने कपड़ों में से वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार किस कपड़े को पहनकर जाए वो। तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है बिग सिस्टर के रूम में, जहाँ पर सेकंड सिस्टर के साथ वो बैठी होती और वो कह रही होती है बिग सिस्टर सेकंड सिस्टर से कि तुम्हें अपने आप पर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी। जहाँ पर सेकंड सिस्टर गुस्सा करते हुए कह लगती है कि मुझे उस कोच को तो ढूंढना ही पड़े, क्योंकि एक बार हम लोग वहाँ पर बाहर आ चुके थे तो वो बंदा पूरी तरीके से गायब हो चुका था। उसके बाद लगता है कि मेरे यहाँ पर कुछ गेस्ट तो है इस मूवमेंट के बारे में कि मैं सोच तो सकता, लेकिन किसी तरीके से वो अपने उदासीपन को दूर भगाती है और वापस से एक्साइटमेंट में भर आती है और उससे कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जुन बोन के रूम में जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिरकार उस समय पर हुआ तो हुआ क्या था। और वो भागती भागती उसके रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती। जब बिग सिस्टर उसको जाती है वो देखती है तो वो कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो चुन बाय है वो वाकई में तुम्हें इतने ज्यादा लोगों के बारे में सोचना जरूरी है और तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते, आखिरकार तुम अपने बारे में सोचना कब चालू करोगे, तुम कब अपने आप को आजाद करोगे। तभी दिखाया जाता है कि जो बिग सिस्टर है उसके मोबाइल बस, और जैसे ही बिग सिस्टर उस मोबाइल को देख तो उसके देखकर काफी शौक हो जाता है क्योंकि उसमें एक मैसेज आया हुआ होता है और कोई कह रहा होता है कि डार्लिंग आई एम बैक। तभी हमारा एमसी उस रीतियान से कह रहा होता है कि ये काफी तरह लेट हो चुका अब तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन रीतियान उससे क्या लगता है लेकिन अब मर्दों के बीच की जो बात है वो वहां पर चालू होने वाली, अब समय हो चुका कि मैं तुमसे बाद में पूछूंगा खैर इसके बारे में, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट वोट नहीं लगी है, तुम आराम, मैं जल्दी से अपने रूम में जाता हूँ सबसे पहले। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, गुड नाइट। तभी रीतियान उसका दरवाजे को बंद कर और अचानक से एक्साइटमेंट से पीछे मुड़कर देखते हैं, उससे कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने लिटिल जूजू के पास जाना होगा, उसे देखना होगा क्योंकि ये बंदा जूजू को बहुत ज्यादा पसंद करता है जुगो शाह, और कह रहा होता है पोज बनाते हुए कि जुगो शाह डियर लिटिल जुगो शाह मैं तुम्हें देखने के लिए आ रहा, तुम इसलिए पूछने में लगी हो कि आखिरकार मैं किस लिए लेट आया था, ये सब उस गॉड डैम ब्रदर के कारण होने में लगा हुआ है जो कि मेरे साथ इतने समय से बातें करने में लगा हुआ था और ये अपने आप से बात कर रहा है इस वक्त। और सोचते हुए कह रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट, और अपने ही आपके हाथ को पकड़ने के बाद सोच रहा और ये बंदा काफी खुश नजर आने में लगा हुआ होता है अपनी ही लाइफ में, और कह रहा होता है कि आज मैं अपनी लिटिल जू के साथ इस मून की नाइट को एंजॉय कर सकता। और जब ये इतना मुस्कुराने में लगा हुआ होता है तभी पीछे से कोई आता और वो सेकंड सिस्टर होती है और उससे कह रही होती है कि अगर कर तुम जुनबो के रूम के सामने क्या खड़े खड़े कर रहे हो, और ये घबराने लगता है उसको देखने के बाद, कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सेकंड सिस्टर। तभी सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि मैं वाकई में जुनबो को लेकर काफी चिंता दिखा रही थी और इसलिए मैं उससे मिलने के लिए आई, और वो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती, जिसको देखकर वो काफी शौक होता है और कहने लगता है कि आखिर क्या ये सब क्या चलने में लगा हुआ है कि आखिर का जो सिस्टर सेकंड सिस्टर वो वाकई में जुनबो के साथ में इस मून को एंजॉय करना चाहती है। इसके कहने का मतलब अब समझ जाओ ना, एंजॉय करना इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, खैर वो सब छोड़ो। तभी सेकंड सिस्टर उसके दरवाजे को नॉक करती है तो हमारा एमसी दरवाजा खोलता है तो उससे कहने लगता है कि आखिरकार अब कौन है और तुम वापस क्यों आ चुके हो, लेकिन जैसे वो आगे खोलता तो पता चलता है कि सिस्टर चुन बाई होती है यानी कि सेकंड सिस्टर। यहाँ पर हमें पता चलता है हमारे एमसी ने कपड़े नहीं पहने होते और वो कह रही होती कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और वो घबराते हुए इसको अंदर लेते और रीतियान सब कुछ देखने में लगा हो और काफी तक गुस्सा आने में लगी होती है रीतियान को इस मूवमेंट। जहाँ पर हमारा एमसी अंदर से आवाजें चिल्लाते हुए कहने में लगा होता कि सेकंड सिस्टर मैं तो बस नहाने के लिए जाना था, लगता है कि मुझे अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। तभी सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये बंदी इसके अंदर चली गई, और वो पूरे की पूरी दीवार को तोड़ देता लेकिन किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करता और उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि किस तरीके से हमारा एमसी बिना कपड़ों के सेकंड सिस्टर के एंजॉय करेगा। और मैंने अपने फ्रेंड को 20 सालों से लगातार सिंगल होते हुए देखा और आज समय आ चुका है कि फाइनली मेरा जो ब्रो है वो ग्रो होने वाला है आज रात को, मुझे इस बात पर पूरा प्राउड होने में लगा हुआ और काफी ज्यादा खुश होते हैं वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि लिटिल जूजो मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ सीरियस हो रही होती है लिटिल सेकंड सिस्टर, और एमसी से कहने लगती है कि तुम सुरक्षित तो हो। तभी एमसी उससे पूछ लगता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम बताओ सिस्टर चुनबा आखिरकार तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई। तभी सिस्टर चुन उससे पूछने लगती है क्या तुम्हारे जो कोच थे क्या तुम उस कोच को इस तरीके से जानती जानते हो, ये देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता सुनने के बाद। तभी सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है चुनबा कि जब लोग हम वहाँ पर एंजॉय करने के लिए गए थे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो परेशानी जरूर, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो हम लोग जब भी ट्रिप पर जाते हैं तो पूरे के पूरे जो इलाका था जहाँ पर हम गए थे वो पूरा का पूरा खाली इलाका था, आसपास कोई भी शिप नहीं दिखाई दे रही थी, अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता तो वहाँ पर हमें बचाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि उस पूरी पूरी जगह पर सिर्फ हम ही मौजूद थे। और जब हम लोग सभी लोग वापस आए तब मुझे इस बारे में पता चला कि वहाँ पर ऑलरेडी मरीन फोरकास्ट के बारे में उस टाइफून के बारे में न्यूज बता दी जा चुकी थी एक दिन पहले कि किस तरीके से वहाँ पर तूफान आने वाला, और तो और मैंने दूसरे लोगों से भी उस बंदे के बारे में पूछा था उस कोच के बारे में लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता, और यही वो बंदा था जिसने हमें वहाँ पर जाने के लिए मजबूर भी किया था। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बंदा मेरे को मारना चाहता था। तभी सेकंड से उसे बताने लगते कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को इसके बारे में बता दिया लेकिन उस बास्टर्ड के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला, लगता है कि तुम्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता तुम्हारी रिएक्शन देखकर। तभी एमसी उससे पूछ लगता कि आखिरकार मुझे कौन मार सकता, बचपन से लेकर आज तक तो मैं हमेशा से ऑर्फन रहा हूँ और मैं अकेला बच्चा,
कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ब्रदर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है। जैसे ही चुनबाई यहाँ पर ब्रदर का नाम सुनती तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो खड़ी हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारा ब्रदर हमारा एमसीजे सुनने के बाद शौक हो जाता है। जहाँ पर वो उससे कह रही होती कि हाँ ककर मैं इसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ, तो ये 2 साल का टाइम पीरियड था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तभी हमारा एमसी घबराते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी जो चुन भाई है वो उसको बताने लगते कि तुम्हारा जो कजन है वो जेल में बंद है, पर हमारे एमसी को अपने कजन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए पूछता है कौन सा कजन। तभी चुन भाई उससे कहने लगते कि जो परेशानी है वो वाकई में उस बादशाह के साथ कुछ ना कुछ लेना जरूर दूर होगा, उसी बंदे ने तुम्हारे साथ ये कुछ करने की कोशिश की है। तभी कहानी का सीन शिफ्ट होता है और कहानी वापस से हमारी लिटिल जूजू पर शिफ्ट हो जाती है। जूसा जो की अपनी ड्रेस को अभी भी चुनने में लगी होती है और एकदम बवाल ड्रेस पहन लेती है, लेकिन वो ड्रेस भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वापस से अपना स्विम सूट पहने लगता, लेकिन फिर भी वो रेडी नहीं। फिर उसके बाद वो बनी ड्रेस पहने लग और वो अपने आप को क्यूट देख, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि अगर मैं इसको पहनकर उसके पास जाती हूँ तो मैं कुछ ज्यादा स्लटी दिखूंगी, इसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही लिए पहन सकती हूँ। और वो उसी ड्रेस में वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है और कहने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरीके के कपड़े पहनकर जाऊँ जो चीज उसे पसंद आएगी, आखिरकार जुनबो किस चीज को पसंद करेगा मेरे को पहनते हुए देखकर। दूसरी तरफ जो रीतियान होता है वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसे कमरे की तरफ और कहने लगता है कि मैं जल्दी उसके पास पहुंचने वाला। तभी अचानक से सामने किसी चीज को देख वह काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सामने एक मेड ड्रेस में एक लड़की दिखाई दे जाती है, जिसको देखकर वो पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज। और वो मेड ड्रेस में कोई और नहीं बल्कि मैं लिटिल जूजू होती है जूशा, जो कि मेड ड्रेस में पहुंचने के बाद वो रीतियान को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो इस ड्रेस में काफी बवाल भी लग रही है। और तभी उसके नाक से खून निकलने जैसा पानी दिखा रहा है लेकिन निकलता दरअसल में नोज ब्लीड ही है और वो कह लगता है कि वाकई में मेरी जो लिटिल जूजू है उसके पास मेड की कॉस्प्ले करने के लिए पोटेंशियल तो है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गया। तभी लिटिल जूजू उससे कहने लगती है कि रीतियाना कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात। तभी रीतियान भी कहने लगता है कि मुझे पता है कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है। और तभी लिटिल जूजू उससे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हुए हो, मैं तुम्हारे ओपिनियन के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम मेरे इस ड्रेस के बारे में क्या सोचते हो। जिसे देखकर उसका ठरका पारा बढ़ जाता है और कहने लगता है कि ये बंदी जानबूझकर ये कपड़ा मेरे पास पहनकर आई हुई और ये जानबूझकर मुझसे ये सब पूछने में लगी हुई और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी। ये सुनने के बाद वो भी काफी खुश हो जाती है और खुश होकर हमारे रीतियान को इग्नोर कर आगे बढ़ पड़ती है, जिसको देखकर वो काफी शौक हो जाता है। तभी वो पूछने लगता है कि लिटिल जूजू आकर तुम कहां पर जा रही हो। ये सुनने के बाद रीतियान रुक और उससे कहने लगते कि मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस जुनबो से मिलने के लिए जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ काम था। ये सुनने के बाद रीतियान काफी ज्यादा शौक हो जाता और शौक होते हुए उससे पूछने लगता है कि ये ऑलरेडी लेट हो चुका है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम जुनबो से क्यों मिलने के लिए जा रही हो। तभी लिटिल जूजू उससे कहने लगते कि वो इसलिए क्योंकि वो बंदे को मेरे कारण चोट लग चुकी है। और तभी एक पाउच दिखाने लगती और शर्माते हुए उसका चेहरा पूरी टमाटर तेल लाल पड़ चुका होता है और कहने लगती है कि मैं बस इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि वो उसकी सुरक्षा है वो कुछ ठीक है कि नहीं है, उसे चोट लगी थी ना इसके कारण, वो जानना चाहती हूँ। और इस तरीके की एक्सप्रेशन देखने के बाद हमारा जो रीतियान है उसके तो शौक उड़ जाते हैं, पूरे पूरे फ्यूज उड़ जाते हैं और इतना उड़ने के बाद कहने लगता है कि मेरा मुंह तो भाई चला गया पूरा। दूसरी तरफ जो सेकंड सिस्टर होती है वो हमारे एमसी को समझा रही होती है, उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें वाकई में इसके बारे में जानना जरूरी, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और बताने लगती है एक बार जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें छोड़कर वापस चली गई थी और किस लिए तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पर अबंडन कर दिया और जो ग्रैंडपा ने तुम्हें सीक्रेट हमें जो टास्क दिया है उसके बारे में तुम्हें बताना बहुत ज्यादा जरूरी। ये बात सुनकर एमसी शौक हो जाती है और इनकी इतनी कन्वर्सेशन चली रही होती है। तभी हमारे वहाँ पर लिटिल जूजू पहुंच जाती है जहाँ पर वो सुनती है कि जो सेकंड सिस्टर वो उससे कहने लगती है और आखिरकार मैं कितने समय बाद तुम्हारे साथ मिल चुकी हूँ और मुझे लगता है कि तुम तो वाकई में एक भरोसेमंद वाले मैन। जब ये बात हमारे लिटिल जूजू सुनती है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कह रही होती है कि जो सेकंड सिस्टर है वो वाकई में जुनबो के रूम में क्या करने में लगी हुई। जहाँ पर सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने सारे के सारे सीक्रेट बताने के लिए तैयार हूं लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसके बारे में सीक्रेट रखोगे, पर एमसी भी एग्री हो जाता। तभी लिटिल जूजू उनकी बातें सुनने के लिए कान लगाकर चिपक जाती है उसके दरवाजे। तभी सेकंड सिस्टर उससे पूछते क्या तुम इसे पसंद करते। तभी हमारा एक्साइटमेंट से एमसी चिल्लाता हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ बिल्कुल। और जैसे ही हमारी लिटिल जूजू इसकी बात को सुनती है तो इसे गलतफहमी पैदा हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी जुनबो ने अभी सेकंड सिस्टर के कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और यह न्यूज वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है इसके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। और इसी के साथ मैं इस पार्ट के एंडिंग यहीं पर करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। और नूब्रा 420 YT क्लाउड गेमिंग डुओ थैंक्स फॉर 40 रुपीज सुपर चैट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 40 रुपीज के सुपर चैट के लिए। और गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज्यादातर जो हमारा जो गोल है 1000 मेंबरशिप ज्वाइन का, तो आप लोग एक 1000 मेंबरशिप ज्वाइन का टारगेट है हमारा वो कंप्लीट कराने में मदद कर दोगे, सपोर्ट करोगे तो काफी अच्छा भी लगेगा क्योंकि जो मेंबर्स है उन्हें ज्यादा जल्दी वीडियोस का एक्सेस मिल जाया करेगा। जो लोग भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट से कर लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे सुपर चैट वगैरह करो क्योंकि ये तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बस मेंबरशिप ज्वाइन कर लो तो इससे लगेगा हाँ फैमिली मेंबर बन चुके हो। तो खैर हमारा जो टारगेट अगर आप करवाने मदद कर सकते हो हमारा टारगेट कंप्लीट, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेंबरशिप ले लो यार अगर ले सको तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नराज, सर्निंग आउट। और गाइस अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के बारे में क्या ख्याल है आपका। बाय।